अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सुबहान HSEQ प्रोफेशनल से। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का सेशन हमारा है हैजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। और काइंडली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। मिस्टर उमर, यू फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर कोलानी विद यू, SMG जनरल मैनेजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। जस्ट आई स्टार्टेड विद SMG मे बी अराउंड 3 months ओनली। बिफोर आई वाज वर्किंग अल्बिज दुई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मोर देन 20 इयर्स विद SMG। आई जस्ट स्टार्टेड विद 3 months। दैट्स इट माय सेल्फ। नाइस, थैंक यू सो मच। मिस्टर रोज अमीन। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस्टर रोज अमीन साहब, अपने बारे में आप थोड़ा बताइएगा। आप माशाल्लाह SMG में कब से काम कर रहे हैं? जी तकरीबन 2019 में आया था, 2019 में इधर आया था दमाम में। सही, माशाल्लाह। तो पहले भी यही ट्रांसपोर्टेशन के काम में थे आप? जी। सही सही। और हमारे साथ होंगे रिजवान साहब हैं, इजाजुल साहब हैं और आरिफ साहब हैं। काइंडली उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाए। रनीश साहब, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम रनीश, आई एम विद SMG सिंस 2017, वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर इन SMG। माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू टू। थैंक यू। And yes, I'm now trying to connect Arif, Rizwan and Ijaz. I'm downloading in their mobile. Hopefully within 5 minutes they can start from their mobile. No problem. Right now, Mr. Rose Amin can pass his phone to them so they can have their introduction. Okay. So, Ijaz. First, Ijaz will come. वालेकुम अस्सलाम भाई। इजाजुल हसन। अगेन इजाजुल हसन। इजाजुल हसन, कैसे हैं आप? ओके सर। तो अपने बारे में आप थोड़ा बताइएगा। SMG में कब से हैं? मैं SMG में 2 years से हूँ सर। माशाल्लाह। और पहले दूसरा सिर क्या था? और सऊदी में 2007 से। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और यहाँ पे ऐसा क्या है आप जी? SMG में ऐसा क्या कर रहे हैं? किस ट्रेलर ड्राइवर सर। ओके, ठीक हो गया। जी जी, पहले तो वो भी ट्रेलर ड्राइवर है, तो 2007 से ट्रेलर ही चलाते हैं, ट्रेलर ड्राइवर। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। सर मैं 1 year हो गया SMG में। ठीक है। 2015 में आया था मैं सऊदी अरबिया, 2 साल लगा के आया था 2016 में ट्रॉलर ड्राइव। अभी मैं ट्रॉलर ड्राइविंग कर रहा हूँ SMG में, 1 year फिनिश हो गया। सही, माशाल्लाह। जी तो आपके जो ट्रॉलर्स होते हैं वो 24 व्हीलर्स हैं? जी 24 व्हीलर ट्रॉलर। ट्रॉलर्स हैं हमारे 12 व्हीलर्स। ओके, 12 व्हीलर छोटे वाले, सही है। ठीक है, आई थिंक एक रिजवान साहब रहेगा सिर्फ। रिजवान है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब कैसे हैं? जी अल्लाह शुक्र है, दुआ आपकी। सर थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना। जी सर, माय नेम इज रिजवान अली सर, SMG 1 year।
माशाल्लाह वर्किंग एज अ जी वर्किंग एज अ क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस कंपनी में क्या काम ट्रेलर ड्राइवर ऑल राइट गॉट इट और अब से पहले दमाम में काम किया था वो भी ट्रांसपोर्ट में था सही सही 2015 में आया था इंडिया से तो 2015 से ट्रांसपोर्टेशन में ही हैं जी जी ठीक हो अभी एसएमजी में एक साल हुआ है एसएमजी में एक साल हुआ है ओके रिजवान साहब ओके चले स्टार्ट करते हैं अच्छा जी हमारी कंपनी बेसिकली एचएससीक्यू प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग कंसल्टेंसी और सर्टिफिकेशंस में एक्सपर्ट है हम ट्रेनिंग्स हर तरह की ट्रेनिंग्स इन हाउस ट्रेनिंग करवाते हैं और फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी पब्लिक ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपका निबोश आयोश ओशा और फिजिकल ट्रेनिंग्स में जैसे आपकी ट्रेनिंग है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड इसी तरह से फायर फाइटिंग फर्स्ट एड और जितनी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हमारा कंसल्टेंसी की भी एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है कंसल्टेंसी में हम ISO के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी कंसल्टेंसी देते हैं और सर्टिफिकेशन भी हमारे पास हैं वो ISO 45000 हेल्थ एंड सेफ्टी की है ISO 9000 क्वालिटी की है और ISO 14000 एनवायरनमेंट की तो इस तरह से हमारे माशाल्लाह जो मेन हमारा हेड ऑफिस है वो है यूएस में टेक्सास में हमारा मेन हेड ऑफिस है और उसके बाद हमारी ब्रांचेस एक जद्दा में है पाकिस्तान में हमारी दो ब्रांचेस हैं एक कराची में और एक लाहौर में और इंशाल्लाह सून कुछ टाइम में हमारी एक ब्रांच ओपन होने वाली है रियाद में तो बस आप सबकी खिदमत में लगे हुए हैं बेसिकली हमारा काम हमारा टारगेट सबसे पहला यही होता है कि हमने सेफ्टी को प्रिवेल करना है हमने सेफ्टी को प्रमोट करना है कोई भी ऐसा टास्क जिसमें सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग उससे रिलेटेड जो भी कंसल्टेंसी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 10,000 डेलीगेट्स अराउंड द वर्ल्ड ट्रेन कर चुके हैं जिसमें ना सिर्फ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और US शामिल है बल्कि अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया लंदन ये सारी कंट्रीज़ में भी हमने अपने जो हमारे ट्रेनीज़ हैं वो बेस करते हैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जो यहाँ सऊदीया से ट्रेन होके बाकी कंट्रीज़ में गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक अच्छे लेवल पे एज अ सेफ्टी ऑफिसर एज अ सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी पर्सनल के तौर पे काम कर रहे हैं इसी तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे डेलीगेट्स हैं तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी कंपनी का था अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ मैं अब्दुल सुभान बेसिकली आई एम 30 years old और मेरा HACQ में ऑलमोस्ट 5 years हो गए 5 years का एक्सपीरियंस मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड है आई एम अ बैचलर्स इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसके साथ मैंने अपना निबोश IGC कंप्लीट किया है ISO 9000 का लीड ऑडिटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हैसप का ट्रेन द ट्रेनर ये भी कोर्स मैंने किया है फिर ओशा 30 आयोश मैनेजिंग सेफली फर्स्ट एड फायर फाइटिंग डिफेंसिव ड्राइविंग और जो सेफ्टी से रिलेटेड मेन कोर्सेज होते हैं वो उनका मैं अप्रूव ट्यूटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो अब हम बढ़ते हैं आहिस्ता अपनी ट्रेनिंग की तरफ तो सबसे पहली चीज़ जो कि हमें इस ट्रेनिंग में समझने की ज़रूरत है हम जो सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे हैजर्ड्स कंट्रोल करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ों पे इम्पेक्ट करता है उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है एनवायरनमेंट अब एनवायरनमेंट क्या है एनवायरनमेंट आपका वो सारा माहौल जिससे जिसमें आप रह रहे हैं जिसको आपने ठीक करना है जिसमें जो चीज़ें आपके काम से इफ़ेक्ट करेंगी एनवायरनमेंट पर और एनवायरनमेंट हेल्दी भी हो सकता है अनहेल्दी भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि हमारी अपनी प्रैक्टिसेस कैसी हैं और क्या हैं और किस तरह से हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हैं किस तरह से हम उसको आगे लेके चलते हैं ये सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे अपने ऊपर और वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एनवायरनमेंट पर अब एनवायरनमेंट बेसिकली जो हम अपने एनवायरनमेंट को देंगे हम वो उससे पाएंगे अगर हम उसे ठीक रखेंगे हम उसे साफ रखेंगे उसे प्योर माहौल देंगे उसी तरह से हम अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखेंगे अगर हमारे एरियाज़ में हमारे इर्द गिर्द पॉल्यूशन होगी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वही सारा इम्पेक्ट हमारे अपने ऊपर भी आता है
इसी तरह से कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉल्यूशन इफेक्ट करेगी, इसी तरह से जो क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज बहुत सारे रीजन से आता है, सबसे ज्यादा जो आता है वो ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियल जो आपका वेस्ट होता है उससे आता है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में हर किस्म के जो वेस्ट आ जाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैसेस के फॉर्म में हो, वो सारा इफेक्ट करता है। अब बेसिकली मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा कि आप लोगों की जो फर्म है उसमें ट्रांसपोर्टेशन किस लेवल तक है और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोगों का क्या क्या है। तो उमर साहब या रनीस साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप इस चीज़ पे देंगे मुझे। Can I? Yeah, sure. Yes, we are basically doing major transportation businesses, containerized business. Okay. Okay. Especially our focus on import and export business related to all seaport in KSA. Our major business coming through Jeddah Islamic Port. All right. And the materials we are loading from major plants, which one is Obeycan plant in Yambu, glass factory. This is a glass related materials from Obeycan. And then we have Unitco, also from Yambu. And we have titanium oxide company from Yambu also. Okay. This all basically exported. Exporting. And we are using material on jumbo bags transportation from Rabik to Jeddah soda, yani for raw material of glass manufacturing, soda ash. Okay. These are the major materials we are transporting, and Mr. Ranish can give more details about further. Sure. So I think almost Mr. Omar, he described everything. And there is, we are doing from Saudi Glass also, we are doing this warehouse shifting of this Saudi Glass. Saudi Glass, it's a bottle manufacturing company, bottle for pubs, for beverages like that. Glass bottles, right? Glass bottle, yes. Got it. And all other major customer, I think Omar, he already explained. Okay. And what are the hazardous materials? Like Mr. Omar told us that there are some chemicals. And other than chemical, do we have any products that you are shipping? Right now, we don't have any hazardous material we are not handling. Inshallah, in future, we are planning any environmental hazardous material to be transported in between any waste management. That is our important things. We are organizing the sessions. Inshallah, we are stepping on forward. Inshallah. But right now, we don't have using any IMCO class containers or materials. All right. So in the future, which you are planning for the waste management, is that only related to the chemicals or all kind of wastes? All kind of, three kind of chemicals, yani solid and gas, even this one, liquid one. Yeah, solid, liquid and gas, all the way. All right. So inshallah, that presentation will be very good for all those topics. Basically, मैं उर्दू में हिंदी में बात करता हूँ ताकि हमारे जो बाकी participants हैं उनको समझ आ जाए। हमारा जो main goal है वो इसी चीज़ को cover करना है कि hazardous waste को अगर हमने ship करना है, सबसे पहले तो हम discuss करेंगे कि hazardous waste create किस तरह से होते हैं। सही है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि किस किस तरह से वो affect कर सकते हैं हमारे environment को, हमें या हमें उससे किस तरह से सिक्योर होना है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन पर कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हमें उसमें अपनाने चाहिए, किस तरह से हमें उन हैजर्ड्स को कंट्रोल करना है ताकि हम इजीली और
विदाउट एनी हैजर्ड उनको शिप कर सकें, और जो भी उसकी मैनेजमेंट होगी उसमें कंप्लीट प्रोटोकॉल्स हमें अपना के सेफ ट्रेवल अपने हमारे अपने जो ड्राइवर्स होंगे उनके लिए, जो आगे पीछे हमारे सराउंडिंग के लोग होंगे उनको भी किस तरह से हमने सेफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन टॉपिक से रिलेटेड, हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट बेसिकली एक डेंजरस और पोटेंशियल हार्मफुल चीज़ है जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, जिसमें सॉलिड्स भी आते हैं, गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, और उसमें एस्बेस्टोस और जो भी केमिकल्स होते हैं वो सब आते हैं। अब सॉलिड्स किस तरह के हो सकते हैं? सॉलिड्स में आपके बैटरीज हो सकती हैं। जब हैजार्डस वेस्ट बैटरीज का होता है तो अगर हम उसको जो कंपोजिशंस हैं वो किसी और से वो करेगी, रिएक्ट करेगी, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ब्लास्ट भी कर सकती है, वो आग भी पकड़ सकती है, और इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज रेज करते हैं होते हैं इससे। इसी तरह से जो आपके पैकेजिंग मटीरियल होता है, पैकेजिंग मटीरियल को जब आप किसी लिक्विड हैजार्डस मटीरियल से कंपोजिट करेंगे और उसको साथ में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है आग का, कि काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं या काफ़ी सारे लिक्विड बेस्ड ऐसे होते हैं जिनको इग्निशन की ज़रूरत नहीं होती। इग्निशन से मतलब उसको किसी चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी ऐसे सॉलिड वेस्ट पे पड़ने से उसमें खुद से भी आग लग जाती है। और हमारे ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो हमारा जो यहाँ टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है, और नॉर्मली यहाँ पे 40 प्लस टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से आग लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपने अभी पिछले दिनों भी देखा होगा कि जद्दा में एक वेयर हाउस में आग लगी थी, और सिर्फ वो एक वेयर हाउस में आग लगने से और टेम्परेचर के राइज होने से वो उसके पास के 9 जितने भी 9 जो सेक्टर्स थे, 9 जो वेयर हाउसेज जुड़े हुए थे, उन सब में आग फैली थी। वजह सिर्फ ये थी कि एक टेम्परेचर और दूसरा टाइम पे कंट्रोल ना करना। टाइम पे अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, सबसे पहले तो आपने अपने वो सारे हैजर्ड्स उस काम को करने से पहले कंट्रोल करने कि वो चीज़ फैले नहीं। इन केस अगर ये इश्यूज रेज होते हैं तो जो सारे प्रोटोकॉल्स आपको बताए जाते हैं वो आप जब फॉलो करते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आप उसको ऑन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेशो के, जो हैजार्डस मटेरियल इंसिडेंट्स हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें 2022 की रिपोर्ट है ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टेटिस्टिक्स की, 23,000 एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स जो हुए हैं हैजार्डस मटेरियल से वो हुए हैं रोड्स पे, हाईवेज पे, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक तो ड्राइवर्स की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती कि उन्होंने सबसे पहले अपने जो कार्गो उनका होता है, जो मटेरियल उन्होंने शिफ्ट करना होता है, उसकी सेग्रीगेशन नहीं होती। अब सेग्रीगेशन क्या चीज़ है? सेग्रीगेशन ये है कि आपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखना है कि अगर वो सॉलिड है तो कौन सा लिक्विड ऐसा है जो उससे रिएक्ट करके फायर आग पैदा कर सकता है, और कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कि दूसरे लिक्विड से मिलके इग्निशन पैदा करेगा और जिससे वो आग भी लग सकती है। उसमें ये भी हो सकता है कि वो रिएक्ट करने से उसमें इस तरह की गैसेस पैदा हों जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हों, और वो बर्न जला भी सकती है, मतलब अगर इंसान के हाथ पे पड़े या गाड़ी, इवन के ऐसे भी केमिकल्स हैं जो आपके मेटल को पूरा पिघला देता है, तो आपकी पूरी गाड़ी उससे, मतलब वो एक चीज़ पे अगर आग लगेगी तो जितना भी आपका मटेरियल होगा उस पूरे में फायर फैल सकती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये शो कर रही है कि 2022 में जो 23,000 एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं वो बेसिकली हाईवेज पे हुए हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन हर तरह का है, उसमें हैजार्डस मटेरियल तकरीबन हर तरह के उसमें कवर होते हैं, जिसमें आपके सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, केमिकल्स हैं, गैसेस, गैस सिलेंडर्स होते हैं। अब लिक्विड्स में और जो केमिकल्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो लीकेज का होता है। आपके जो ड्रम्स हो गए या जो आपके कंटेनर्स होते हैं उनमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लीक आ जाता है जो कि रोड पे पड़ने से, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज करे तो फायर का ख़तरा होता है। फायर के साथ इन केस, अब जैसे वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल में क्या होता है
कि किसी कंपनी में डिफरेंट किस्म के केमिकल्स या डिफरेंट किस्म के कॉम्पोजिशन यूज हो रही होती हैं। अब उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है जब वो अपना वेस्ट निकालते हैं वो सेग्रीगेट नहीं करते हैं, सेग्रीगेट मतलब उसको अलग अलग नहीं करते, वो एक ही जगह पे अपना वेस्ट कर देते हैं। एक जगह पे करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा होता है तो वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, आपस में रिएक्ट करने से आग पैदा होती है और फिर वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आग फैल के ना कि सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि जो आपके साथ दूसरी गाड़ियां हैं या आप किसी वेयर हाउस पे खड़े हैं तो वो दूसरी गाड़ियों को या आपके पूरे वेयर हाउस को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ट्रांसपोर्टेशन में इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स की का फर्क क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। एक्सीडेंट वो है जो कि आपकी गाड़ी का किसी चीज से या किसी दूसरी गाड़ी से कोलिजन पे डिपेंड करता हो कि खुदा ना खास्ता आपका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, कहीं टकरा जाती है या वो उलट जाती है या कोई भी रीज़न उसका हो सकता है। और इंसिडेंट में वो है कि आपका अगर कोई केमिकल मटेरियल है या इस तरह का लिक्विड वेस्ट है जो कि लीकेज से आपके ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन लीकेज से एक हैजर्ड पैदा करता है। अब काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जब वो रोड पर पड़ते हैं तो एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं अपना, और वो इम्पैक्ट जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब हुए थे, वो उनका इम्पैक्ट अब तक है जबकि आई थिंक 20 से 30 साल उस चीज़ को गुजर गए, लेकिन वो इम्पैक्ट अभी तक है। अभी भी वहाँ पे जो करंट नस्लें हैं वो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स आते हैं, बेचारे कोई वो माजूर होते हैं या उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जब भी कंपोजिट करते हैं दूसरे से मटेरियल से तो वो एक हैजर्ड पैदा करते हैं और उनको ख़त्म करने में सालों लग जाते हैं। इसी तरह से एक इंसिडेंट हुआ था, वो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बेसिकली रिलेटेड टू इंडस्ट्री है। भोपाल इंसिडेंट था जो कि इंडिया में हुआ था, वहाँ पर इसी तरह केमिकल की लीकेज की वजह से जो वेस्ट था वो नालियों में डाल दिया था, जो आपकी नहर और नदियाँ होती हैं वो वेस्ट उसमें डाल दिया था, और जब वो वेस्ट नदी में गया या उसमें नहर में गया वो पानी आवाम ने लोगों ने यूज़ करना जैसे रेगुलर वो कर रहे थे वो इसी तरह यूज़ करते रहे। उसका इम्पेक्ट क्या हुआ कि तकरीबन एक महीने के अंदर ही जो उसके करीब करीब के जितने गाँव थे उसमें सडनली लोगों को इस तरह की बीमारियाँ आई कि वो दो दिन तीन दिन के अंदर मरना शुरू हो गए, और शायद उस इंसिडेंट में 1500 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो वो रिएक्शन उसको सिर्फ ख़त्म करने के लिए उन्हें तकरीबन 1.5 से 2 साल लगा था, और वो पूरा जो भी उस जहाँ वो जो नहर गुजर रही थी उसको फ्लश किया गया था, जो कि बहुत बड़ी थी, मतलब आप ये समझें कि तकरीबन मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर था जो कि उसको इवैक्यूएट करने उसको ख़त्म करने के लिए वो रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए उसमें पास किया था। इसी तरह से एक इंसिडेंट वीडियो हम इंडिया से रिलेटेड ही है क्योंकि जब हमें अपनी लिस्ट रिसीव हुई थी आप लोगों की तरफ से तो उसमें ज़्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट इंडिया से थे, तो एक वीडियो मैंने निकाली थी जो कि ऑलरेडी इंडिया की है, ये मैं प्ले करता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगी हैजर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजर्ड्स। अगर आवाज ना आ रही हो तो बताइएगा। आवाज सर सही है। परिवहन की हो
तो हम कैसे बोल सकते हैं देश का जीवन चक्र हर पल चलाने वाले ड्राइवरों का, देश सेवा करने वाले ऐसे ड्राइवरों को हम सलाम करते हैं। कभी इन ड्राइवरों में से कुछ अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि इनसे लगी गाड़ियां सामान्य गाड़ियों से अलग हो, क्यों जरा सी बसावाल से ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो जन संहार और हार बच पाने का कारण बन सकती है। मुंबई के सायन इलाके में बेंजीन ले जा रहे टैंकर के ड्राइवर की ऐसी ही असावधानी दुर्घटना का कारण रेड लाइन बचाने की जल्दी में ड्राइवर की गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते वो टैंकर उलटकर आग के गोले में बदल गया। आसपास के रहवासी क्षेत्र के अलावा 26 ऑटो और कई गाड़ियां आग की भेंट चढ़ गई। गुड़गांव का हादसा तो और भी भयानक था। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खाली कर रहे एक टैंकर ने आग पकड़ ली। कारण था स्कूटर के साइलेंसर से निकली चिंगारी। यदि उस चलते टैंकर को उसका बहादुर ड्राइवर वहां से नहीं हटाता तो जान माल के हुए भारी नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मई 2007 में गुजरात में आनंद के नजदीक एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की भिड़ंत का खामियाजा 10 से 12 फीट दूर खड़ी एक यात्री बस को दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में बस जलकर खाक हो गई और 28 से ज्यादा लोग तो मौत के घाट उतरना। जनवरी 2008 में गोवा के नेशनल हाईवे में पेरनम के निकट एक एसिड टैंकर में विस्फोट हुआ जिसकी चपेट में आकर पास से गुजर रहे यात्रियों से भरी एक बस, उन यात्रियों में 11 की घटनास्थल पर ही झुलस कर मौत हो गई। विस्फोट का कारण टैंकर से हो रहा एसिड का रिसाव। तमिलनाडु के सेलम शहर के पास बेंजीन ले जा रहे टैंकर ने गलत ओवरटेक करते हुए राज्य परिवहन की बस और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान छूती लपटों ने आसपास के पेड़ पौधों को झुलसा दिया। दुर्घटना में 49 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए जिनमें बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे थे। जन हानि की घटनाएं केमिकल परिवहन दुर्घटनाओं की झलक मात्र है। दरअसल भारत में हर वर्ष 1,00,000 से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटनाओं से मौत होती है, 4,00,000 से ज्यादा घायल होते हैं। यानी सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर 6 मिनट में एक व्यक्ति की मौत और 4 घायल। आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के जहां हमारे ड्राइवर साहस और सावधानी से भयानक हादसों को होने से बचाया। चलते हैं अलीबाग महाराष्ट्र, जहां एक किसान मंगल मिश्रा अपनी आप बीती सुना रहे हैं। हाँ तो भैया, हुआ क्या? हम सब लोग खेत में काम कर रहे हैं, एकदम से एक आवाज आ सबने एकदम से पलट के देखी। पलट के देखा तो एक टैंकर खड़ा हुआ, उसमें से क्लीनर ड्राइवर फटाक से उतर और पीछे की तरफ भागे टैंकर। पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, दोनों को दोनों भाग लेते हैं पीछे। अभी तो कुछ तो गड़बड़ है। अब हम पीछे देखने गए, देखते हैं टैंकर में से कुछ लगातार। हम रोकने आगे बढ़ रहे थे तो इन सब ने रोक लिया। और जैसे ही हमने देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ये देखो पूरा का पूरा हाथ चला गया। अभी तक निशान पड़े हुए, लेकिन एक बात है, कहते हैं ना बचाने वाला होता है। बस उस वक्त अपनी किस्मत अच्छी थी भैया, पीछे से पीछे लगा हुआ एक टैंकर चला आ रहा। उसके ड्राइवर ने देख ली और वो फटाक से उतरा और इधर पीछे की तरफ आ गया। पीले वीले से कपड़े पहन के आया वो, नया क्या क्या नाक पे कुछ लगा लिया, उस पे ऐसा लगा लगा के, हाथ में बड़े बड़े से कुछ पहने हुए था।
और उसने जो वो जो निकल रहा था ना टैंकर में उसको रोक दिया, और तो और कुछ खतरनाक पदार्थ था भैया वो। जाबाज कुछ कितना कितने कहते हैं जाबाज, वो ड्राइवर नहीं जो अपनी गड्डी छोड़ के भाग गया, लेकिन वो ड्राइवर जिसने बाद में आकर अपनी गड्डी की रक्षा की। अपनी गड्डी की सुरक्षा के साथ साथ अपने आस पास के इलाके की भी सुरक्षा का ध्यान, रसायन या गैस के हिसाब से वातावरण प्रदूषित ना हो। पूरी प्रक्रिया के बाद दूषित मिट्टी को एक थैली में भरकर साथ लेके जाना मत। लेकिन तो ठीक कर दिया है क्या, हाथ पे पानी डाल दिया? हाँ डाल दिया, दवा भी लगा दिया इनके हाथ पे? हाँ लगा दिया। और आप जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। हेलो सर, मैं इरफान ड्राइवर बोल रहा हूँ। सर आपकी गाड़ी रास्ते में एसिड लीकेज से खड़ी है, नंबर है GJ6Y8065। सर अलीबाग से 4 किलोमीटर पीछे है। सर ज्यादा नहीं गिरा है, लीकेज तो आपने बंद कर दिया है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बोल जा, बोल देंगे। यारो आप सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ये ताला खोल रहा हूँ बिना चाबी के, खोल दूंगा मैं, जाट आती हूँ खोल दूंगा। नहीं खुलता तो यारो, जिस तरह ये ताला बिना चाबी के नहीं खुल सकता, वैसे ही हेस्कम कोर्ट कार के बिना आपात स्थिति का सामना नहीं हो सकता। हेस्कम कोर्ट कार, इस कार्ड को हमेशा अपने पास रखें, यहाँ तक कि ट्रक से उतरते वक्त भी इसे अपने साथ ले जाऊँ। मैं तो इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन ताले की चाबी मिलने से भी मसला हल नहीं होता, चाबी को ताले में लगाना भी आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि खतरनाक और विस्फोटक सामान से लदी गाड़ी को चालू करने से पहले आपातकालीन सूचना पैनल को ध्यान से पढ़ो और इसके निर्देशों का अच्छे से पालन करो। अपने इस बड़े भाई की बातों को मानोगे तो कभी दुर्घटना नहीं होगी और तुम्हारी सारी खुशियों का ताला ऐसे खुल जाएगा। अब चलते हैं दूसरी घटना की ओर, जिसकी चपेट में थे 25 से भी ज्यादा पिकनिक से लौट रहे स्कूल के बच्चे। बात सोचकर मुझे और भी रोंगटे खड़े हो जाते। छोड़ने से मैंने देखा कि खिड़की से धुएं आने लगे और मेरी आंखें चलने लगी, बच्चों के भी आंखें चलने लगी, खांसी आने लगी। तो माहौल जैसा बिल्कुल बदल गया, पैनिक सा हो गया। हम पता चला वो अमोनिया गैस लीक हो रहा था उस टाइम से। उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हम उस एक्सीडेंट से बच गए थे। हैट्स ऑफ टू हिम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। हेलो, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू अगर आप सड़क और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना चाहते हैं तो इसे जरा ध्यान से सुनिए। यात्रा आरंभ करने से पहले ये जांच कर लें कि आपके पास सभी आवश्यक कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, बीमा, PUC, ट्रिप कार्ड, हैजकेम कोड कार्ड है, और ये भी देख लें कि आपकी लाइसेंस पर हैजार्डस गुड्स ले जाने की अनुमति दर्ज है। आपके पास फर्स्ट एड किट और सबसे आवश्यक इमरजेंसी किट तो जरूर होनी चाहिए। ये भी देख लें
कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह पर हो कि इमरजेंसी के समय उसे आसानी से निकाला जा सके। यारो, गड्डी पर चढ़ने से पहले चेक कर लो कि आपातकालीन सूचना पैनल सही तरीके से बनाया गया है। जब भी गड्डी पार्क करो तो जगह देख के पार्क करो। आपको कभी नहीं भूलना कि आपकी गड्डी के अंदर खतरनाक केमिकल है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि जान का खतरा बन जाए। गड्डी के आसपास खाना ना बनाओ, सिगरेट ना जलाओ। ये अगरबत्ती जो है ना, ये मंदिरों में जलाई जाती है, गड्डियों में नहीं। यारो, सफर पर जाते हुए रास्ते में कभी भी किसी यात्री को, खाने पीने के सामान को या पशु पक्षी को गड्डी में मत बैठाओ, ठीक है? और अपनी गड्डी को किसी भी अनजान या गैर जिम्मेदार आदमी को कभी चलाने को मत दो, और गड्डी की चाबियां हमेशा और हमेशा अपने पास रखो। और जब भी सामान लोड करो, इस बात का ध्यान रखो कि कंपनी का कोई जिम्मेदार आदमी वहां पर है। शराब, बीड़ी, माचिस, गुटके, यारो, ये जो चीजें है ना, ये आपकी सेहत के लिए भी खराब है और गड्डी की सेहत के लिए भी खराब होती है। सफर पर जाते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने तय रूट पर ही जाओ, ताकि वक्त पड़ने पर आपको संभव सहायता मिल सके और आप संपर्क में भी रहे। और एक खास बात, आग, रिसाव, रसायन के फैलाव के संपर्क में आने पर हेल्थ कैप और ट्रैप कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन। यारो, एक जरूरी बात, मोबाइल, गड्डी चलाते हुए मोबाइल पे कभी बात नहीं करनी। गड्डी का इंजन स्टार्ट, मोबाइल बंद और जेब में। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, ये सीट बेल्ट जो बांधी जाती है ना, तुम्हारी सुरक्षा। अपने वाहन में कभी भी बताई गई लिमिट से ज्यादा माल न भरें। आपकी गाड़ी हमेशा 3/4 से ज्यादा भरी होनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि सामान्य ड्राइवर 3 दिन के विशेष ट्रेनिंग के बाद ही खतरनाक माल का परिवहन कर सकते हैं, और हर वर्ष उन्हें 1 दिन के विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित होना अनिवार्य है। A for apple, B for boy, C for cat. यारो, सड़क पर माल की सुरक्षा और लोगों की जिंदगी बचाने के अलावा हमारी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी। जी सर, रिजवान साहब, इजाजुल साहब, क्या समझ आया फिर इससे? क्या क्या चीजें थी इसमें जो आपको क्लियर नहीं हुई, या कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छे से समझ आई वो थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें कि वीडियो से क्या क्या चीजें आपको समझ आई? यही के सामान जो 1/4 ही लोड करना चाहिए गाड़ी में, सारी सेफ्टी सही है, सेफ्टी सारी होनी चाहिए, फायर सिस्टम, सीट बेल्ट का, मोबाइल का, और ये नशे का जो ये कुछ नहीं करना चाहिए था। और अगर गाड़ी में खुदा ना खास्ता कोई लीकेज हो जाए, आग लग रही हो, तो छोड़ के भाग जाए या रुके वहीं पे? नहीं, पहले अपनी जान बचानी चाहिए ना, या नहीं, बिल्कुल। और गाड़ी में क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? ये फायर का वो सिस्टम पूरा होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के जो ड्रेस होती है सारी, कार्ड, मतलब सब चीज होनी चाहिए। आपके पास फर्स्ट एड का पूरा सामान होना चाहिए, आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, आपके पास सारी डाटा शीट्स होनी चाहिए, वो उस मटेरियल की शीट होनी चाहिए जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं,
आपके पास परमिट्स होने चाहिए, और उससे सबसे पहली चीज़ के जो जो मटेरियल आपने ट्रांसपोर्ट करने हैं, कि आपको पता है ये मटेरियल आपके कैटेगरी में आता है, उसको हैंडलिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने किस तरह से उसको, खुदा ना खास्ता कोई अगर उसमें इंसिडेंट आता है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले ऐसी सूरत में आपने कॉल करनी है जो भी अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसपे सारे इमरजेंसी नंबर्स हों, उन इमरजेंसी नंबर्स को सही टाइम पे हाजिर दिमागी से कब किस टाइम पे कॉल करनी है ये आपको पता होना चाहिए, और उनको ब्रीफ करना है। पहले आपने वो हैजर्ड देखा, आपने अपनी गाड़ी का नंबर आपको याद होना चाहिए, उसके बाद वो डेटा शीट्स जो भी हैं वो आपके पास अवेलेबल हों, गाड़ी में ऐसी जगह पड़ी हों कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो आप फौरी एक्सेस में हो, आप फौरी उसको निकाल सकें और उसको रिपोर्ट कर सकें। ठीक है जी, सबको क्लियर है? जी सर। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अब क्लासिफिकेशंस पे आ जाते हैं कि यूनिवर्सल हैजर्ड्स और हैजर्डस वेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बेसिकली 9 क्लासेस होती हैं, 9 से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं, मेन क्लासेस हैं, वो 9 हैं, जिसमें एक्सप्लोजिव होती है। एक्सप्लोजिव मतलब वो के जो फट सकती है, फटने से आग भी लग सकती है, धमाका भी कर सकती है। उसके बाद आती हैं गैसेस, जैसे वो गैस वाला आपने देखा कि गैस की लीकेज हुई और वो उस इलाके में फ़ौरन रिएक्ट कर रही थी, बच्चों की स्कूल की वैन थी जिसमें बच्चे फ़ौरन खांसना शुरू हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। उसके बाद आ जाते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड में आपका बेंजीन आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, इसी तरह से और जो केमिकल्स होते हैं जिनमें आग लग सकती है। फिर क्लास 4 में आ गया फ्लेमेबल सॉलिड्स, फ्लेमेबल सॉलिड्स और सब्सटेंसेस, जिसमें आपके पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा, ऐसा आइटम के जिसमें रिएक्ट करने से फौरन आग लग सकती है। फिर आ गया ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस, ऑक्सीडाइजिंग वो हैं जो एसिड वगैरह से रिएक्ट करके उसमें आएगी। फिर उसके बाद टॉक्सिक, टॉक्सिक मटेरियल वो हैं जो कि आग नहीं पकड़ेंगे लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी इस तरह से होगी कि अगर आप उसके करीब हाथ करेंगे और वो ओपन एक एरिया में है तो उसके जो फ्यूम्स होंगे, जो उसके जर्रे हवा में उड़े होंगे, वो आपकी स्किन पे टच होने के बाद आपको एक एलर्जी देंगे। एलर्जी से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपको आपके गले में खराश आ सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो इस तरह की जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं वो। अच्छा, अब रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव वो हैं जो कि खुदा ना खास्ता अगर लीकेज हो तो वो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे एटमॉस्फेयर को, जितना आपके आगे पीछे का माहौल होगा उस सबको खतरा पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे कोई गैस लीकेज आई है, या बल्कि गैस भी इसमें नहीं आएगी, उसमें वो रेडियो एक्टिव बेसिकली इस तरह के होते हैं कि वो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब उसके फ्यूम्स या इस तरह की कोई भी ऑक्सीजन से मिलेगी तो वो एक रिएक्शन क्रिएट करेगी और उससे हर तरह के नुकसान पैदा होते हैं। उससे आपके सांस लेने में मसला आता है, उसमें आपके जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके जिस्म के अंदर की जो जितनी चीज़ें हैं ना, वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं आपके स्पर्म्स पे। तो खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे आपकी बेसिकली आप ये कह लें कि नस्ल बढ़ाने वाली जो आपकी कुव्वत होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो टॉक्सिक मटीरियल्स और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फिर कोरोसिव सब्सटेंसेस, कोरोसिव वो जिससे कोई चीज़ सड़ जाए, सड़ने से मुराद के अगर वो मेटल पे पड़े तो वो मेटल ख़राब कर देगी, उसमें छेद कर देगी, सुराख कर देगी। फिर उसके बाद मिसलिनियस आइटम्स में आपके काफ़ी सारे आ जाते हैं, जिसमें आपके हाउस होल्ड मटीरियल्स भी होते हैं, आपका प्रोपेन भी होता है, क्लीनर्स हो सकते हैं, कलर हो सकता है, जो पेंट आपका होता है, ये सारे आपके मिसलिनियस में हो जाते हैं। जो कि इसी तरह से अगर जैसे पेंट है तो पेंट में आपका क्या नाम है, प्रोपेन या दूसरे मटेरियल जब आप मिलाते हैं तो उसमें फायर पैदा हो सकती है, आग पैदा हो सकती है, तो उस आग की वजह से भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब तक कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं?
कोई ऐसा सवाल? अच्छा अब जरा आरिफ साहब, आरिफ साहब आप मुझे बताएं कि हैजार्डस मटेरियल क्या है? हैजार्डस मटेरियल जो है वो क्या चीज है बेसिकली? कोई भी ऐसी खतरनाक चीज जो कि आपके लिए और आपके एटमॉस्फेयर के लिए और आपके आगे पीछे के लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती है, वो नुकसान आपकी जान को भी कर सकती है, आपके माल को भी कर सकती है, हर तरह से उसमें नुकसान है। ठीक है जी सर। चलें अब हैजार्डस वेस्ट में टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली चार मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है इग्नाइटेबल, एक होती है कोरोसिव, एक रिएक्टिव और एक टॉक्सिक। आप ये साइंस देख रहे हैं, ये साइंस आप नोट करेंगे कि जब भी आप कोरोसिव मटेरियल या हैजार्डस वेस्ट मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अक्सर ट्रक्स पे आपको ये साइंस नजर आएंगे जी। अब ये जो सिलेंडर वाला शेप है ये है कंप्रेस्ड गैस, मतलब के सिलेंडर में गैस कंप्रेस की हुई है। इसी तरह से कोरोसिव का क्या होता है? कोरोसिव मतलब कोई भी एसिड जो आपके हाथ पे पड़े, जैसे उसमें आपने देखा कि एक लिक्विड लीक हो रहा था, उस बंदे ने हाथ अपना बीच में किया तो उसका हाथ जल गया, वो आइटम्स होते हैं कोरोसिव। ठीक है, तेजाब जिसे आप कह लें। क्लियर है? हेलो जी, आ रही आवाज? आ रही है जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कोरोसिव आइटम वो हैं जो के जिसकी जो आपका ये कह लें कि जो उसकी रिएक्टिविटी होती है वो तेजाब की तरह होती है, आपके हाथ पे पड़े या आपके जिस्म पे पड़े या किसी चीज पे पड़े तो वो उसको जला सकती है। अब इन्वायरमेंटली डैमेजिंग क्या होता है? इन्वायरमेंटल डैमेज वो है कि कोई भी वेस्ट जो कहीं गिरने से या उसकी लीकेज से आपके एटमॉस्फेयर पे, आपके माहौल पे फर्क पड़ रहा हो। माहौल पे फर्क किस तरह से पड़ सकता है कि जब एक किसी इंडस्ट्री में कोई ऐसा फ्लेम वाला या बर्निंग वाला काम होता है तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो आपके पूरे एरिया में फैलते हैं और आसपास के। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है उस इंडस्ट्रियल एरिया से रिहायशी एरिया जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वो कम से कम भी 20 से 25 किलोमीटर दूर होता है। उसकी मेन वजह ये है कि जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं उसको कंट्रोल करना होता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी जो आपकी फिजा में जो हवा होती है वो तो पूरे में फैल रही है। अगर आप शर्फिया में रह रहे हैं और अजीजिया में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हद तक वो कंट्रोल होगा, लेकिन आपको फील ज़रूर होगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो अफेक्ट कर रही है। इसी तरह से कोरोना के टाइम पे आपको याद होगा कि कोरोना किस तरह से फैला था, एक बंदे से दूसरे बंदे पे बगैर टच किए भी सिर्फ जो फ्यूम्स, सिर्फ जो वो वायरस था वो डायरेक्टली फैल रहा था। इसी तरह से इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज जब एक जगह से फैलता है तो वो और ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो उसको टाइम पे कंट्रोल करना होता है। फिर एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव में जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ धमाका कर सकती हो, फ्लेमेबल आग पकड़ सकती है, हेल्थ हैजर्ड के आपके जिस्मानी अज़ा को या आपके जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती हो, उसमें गैसेस हो सकती हैं, उसमें फ्यूम्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इरिटेंट। इरिटेंट वो है जो चीज़ आपको तंग करे, आपको कंट्रोल ना कर सके, मतलब इस तरह से कि आपको एक एलर्जी हुई और वो आपको लगातार परेशान कर रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसको, तो वो इरिटेंट होगी। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीजन से रिलेटेड वो होगा, और टॉक्सिक वही के जिससे जल भी सकते हैं पूरी तरह और खुदा ना खास्ता मौत भी हो सकती है। तो बेसिकली इन चार टाइप्स में ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये कवर होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इग्नाइटेबल वेस्ट। ये देखें, ये इसमें इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि जो इग्नाइटेबल होगा वो फ्यूम फ्लेम से किस तरह से आग पकड़ सकता है। इसी तरह से जो कोरोसिव होगा
ये आपका देखें इसमें सुराख हो गए, छेद हो गए, तो वो सड़ा देता है चीज को। टॉक्सिक होगा तो वो एक ऐसी गैस क्रिएट करेगा जो कि एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक है। रिएक्टिव होगा जो दूसरे मटेरियल से मिलके खतरा पैदा कर सकता है, चाहे वो उसमें आग लग सकती है, चाहे वो ऐसे फ्यूम्स जनरेट कर सकता है जो कि हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करेगा। उसमें आपका फ्यूल आ जाता है, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वेस्ट ऑयल जो होता है आपका अक्सर मशीन से निकला हुआ, गाड़ियों से निकला हुआ, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर आ जाता है बैटरीज। अब बैटरीज जो है वो किस तरह से ख़तरनाक हैं, अब वो तो आप देखेंगे, वो तो एक इसमें सेल में बंद हुई हुई है, लेकिन जब वो कोरोसिव हो जाती है, जब उस पर कोरोजन आ जाता है, जंग आ जाता है, तो उसके जो अंदर का लिथियम आयन होता है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और वो जब रिएक्ट करता है तो एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अगर आपके पास एक बैटरी पड़ी है और वो काफ़ी टाइम से उसी जगह पे पड़ी है और वो सड़ गई है बिल्कुल, तो कुछ टाइम में उसके जो फ्यूम्स होंगे वो आपके कमरे में फैल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपकी सेहत पे वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। आपको खुद फील होगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको सांस लेने में या आपके जो है गले में, थ्रॉट में इन्फेक्शन क्रिएट करेगी। ये हमारी नज़र में वाजे नहीं होता, लेकिन ये टॉक्सिसिटी क्रिएट होती रहती है लगातार। अच्छा, इग्नाइटेबल वेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूम्स फौरन कैच करते हैं, वो चीज़ या वो मटेरियल जो कि 140 फ़ारेनहाइट्स जो कि ऑलमोस्ट बनेगा 80 सेंटीग्रेड, उससे ऊपर जब उसका टेम्परेचर जाता है तो वो आग पकड़ सकता है। उसमें आपका फ्यूल हो सकता है, उसमें आपके क्रोसिव मटेरियल्स हो सकते हैं, क्लीनर्स हो सकते हैं, और हद तक के बैटरी के जो लिथियम आयन्स होते हैं वो भी कुछ टेम्परेचर पे जाके आग पकड़ लेते हैं। इसी जैसे जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में बैटरी में आग लग जाती है, वो आग क्यों लगती है, जब उसमें जो आपका लिक्विड होता है, जो तेज़ाब आप डालते हैं बैटरी में, अगर वो कम हो और लगातार वो बैटरी यूज़ हो रही है तो जो आपके आयन्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं आपस में, और वो रिएक्ट करने की वजह से आग पैदा करते हैं, वो फ्लेम पैदा होता है और फिर आग लगती है, और वो सिर्फ एक बैटरी से वो आग फैल के पूरी गाड़ी में लग सकती है। फिर फ्लेमेबल सॉलिड मटेरियल्स आ जाते हैं। सॉलिड मटेरियल में आपका बैटरीज आ गई, आपका पैकेजिंग मटेरियल आ गया, सिलेंडर्स आ गए, और इस तरह की चीज़ जिसकी टिप्स जो होती हैं, जहाँ से आपने उस मटेरियल को पास करना होता है, वो फायर कैचिंग होती हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में वो तो पूरा आपका मेटल का है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होती हैं, या तो वो प्लास्टिक की होंगी या कुछ ऐसे कैप्स होते हैं जो कि वुडन भी होते हैं, डिपेंड करता है वो मटेरियल क्या है। नॉर्मली हर उस पर नहीं होता, ज़्यादातर पर वो मेटल की होते हैं ड्यू टू सेफ्टी, लेकिन कुछ ऐसे जो मटीरियल्स होते हैं उन पर रिएक्ट करने की वजह से, मेटल रिएक्ट करने की वजह से उनके कैप्स चेंज किए जाते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं, तो उनमें आग लग सकती है। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई लीकेज आ गई या राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ तो भी आग लग सकती है। फिर आ गए क्रोसिव है। क्रोसिव में जैसे मैंने आपको बताया कि वो तेजाब वाला उसकी एक नेचर होती है जो कि आपके हाथ को जला सकती है, आपके मटीरियल को जला सकती है। अब ये आप जैसे देख रहे हैं ड्रम पड़े हुए, अब वो उसके अंदर जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा क्रोसिव है कि जो उसका कंटेनर था उसमें ड्यू टू प्रॉपर उसकी सेफ्टी, प्रॉपर उसकी जो सीलिंग कहेंगे वो ना होने की वजह से उस पर रस्ट आ गया। अब काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं उनकी नेचर क्या है, उनको आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें रिएक्टिव जो प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि क्रोसिव मटेरियल से जल जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे मटेरियल ऐसा होता है जो मेटल को गला देता है लेकिन प्लास्टिक को नहीं गलाता, तो वो सारी चीज़ें आपने उसमें देखनी होती हैं। एक वीडियो शायद आप लोगों ने ना देखी हो, मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। एक सीज़न है ब्रेकिंग बैड के नाम से, उसमें जब वो बंदा एक किलिंग करता है, एक बंदे को मार देता है, तो उसकी लाश को सड़ाने के लिए उसके पास या उसको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो क्या करता है, वो एक केमिकल लेकर आता है और वो केमिकल, उसको सिर्फ ये पता होता है कि इस केमिकल से जो इंसान की बॉडी है
वो पूरी लिक्विड में, पानी में बदल जाएगी। उसका हर एक जर्रा, उसकी पूरी का पूरा, पूरा का पूरा जिस्म, हद तक के हड्डियां, वो सारी बिल्कुल लिक्विड हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो वो क्या करता है, वो बजाय एक स्पेसिफिक ड्रम लाने के जिसमें वो रिएक्ट नहीं कर सकता वो मटेरियल, उसमें डालने के बजाय जो आपके वॉशरूम का बाथटब होता है उसके अंदर वो मटेरियल डाल देता है, उसकी लाश को उसमें रख के वो मटेरियल डाल देता है। होता क्या है कि वो जो उसकी लाश होती है वो तो बिल्कुल सड़ जाती है, वो सारा जितना भी उसका जिस्म का हिस्सा होता है वो सब कुछ पानी में, लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन दो दिन बाद जो उसकी बाथटब की जो छत थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है वॉशरूम जो होता है, वो बाथटब की जो नीचे छत थी वो सड़ना शुरू हो जाती है। और दो दिन बाद वो जो जितना लिक्विड उसके अंदर होता है वो छत को फाड़ के नीचे गिरता है और वो जितना भी वॉशरूम का एरिया होता है उस पूरे को सड़ा देता है। तो ये चेक करना होता है आपने कि वो मटेरियल कौन सी चीज़ से रिएक्ट कर सकता है और कौन सी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा। अब जैसे उसने बॉडी को तो सड़ा दिया, लेकिन उसने क्या प्रिकॉशन नहीं लिए कि उस मटेरियल को उसने रखना किस में। उसका एक स्पेसिफिक ड्रम होता है, उसमें बार कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि कौन से मटेरियल से इसने रिएक्ट करना है और कौन से रिएक्ट नहीं करेगा। जो आपकी डेटा शीट होती है उसमें ये सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं कि आपने, आपका जो मटेरियल है वो उससे मैच करे, उसके कंटेनर से मैच करे, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट फिल्ड हो, कंप्लीट डाटा उसमें मौजूद हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? जी जाविद साहब। नहीं जी, ऐसी कोई नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिव वेस्ट, रिएक्टिव वेस्ट वो है जो कि दो चीज़ों को मिलके एक खतरनाक अपनी कंपोजिशंस बना लेते हैं जिससे नुकसान पैदा हो सकता है। अब वो हर तरह का हो सकता है, वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में खुदा ना खास्ता कोई दो मटेरियल ऐसे आपने आपस में रख दिए जिसकी ज़रा सी लीकेज से आग भी लग सकती है, करोजन भी पैदा हो सकती है और फ्यूम्स भी ऐसे पैदा हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। टॉक्सिक होने से क्या होगा, वही आपके सांस लेने में मसला होगा, आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब करेगा, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ हद तक जैसे सऊदीया के जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो अगर आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया अपने मटेरियल्स को, आपने एक आपका है करोसिव, एक आपका है इग्नाइटेबल, आपने इन दोनों को साथ रख दिया जबकि उनकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपने दोनों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको फाइन भी दे सकती है। जो आपको डाटा शीट दी भी होगी उसके हिसाब से अगर आपने उसको कंप्लाई नहीं किया तो उस पर फाइन भी हो सकता है आपको। वो डिपेंड करता है कि फिर क्या गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस रखी हैं उस हिसाब से। तो आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है कि सेग्रीगेशन रखनी है। सेग्रीगेशन का मतलब प्रोडक्ट्स को अलग अलग, अगर एक कैटेगरी अलग है और दूसरे के साथ वो मिलने से कोई खतरा पैदा कर सकती है तो आपने उन दोनों को साथ ट्रांसपोर्ट नहीं करना, अलग अलग करना है। इसी तरह से टॉक्सिक वेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, उसमें डिफरेंट किस्म के 40 डिफरेंट किस्म की कॉन्सेंट्रेशंस आती हैं जो कि खतरा पैदा कर सकती हैं और वो टॉक्सिक हो सकती हैं आपकी हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। अब जैसे वेस्ट मटीरियल अक्सर पानी में छोड़ दिया जाता है, लिक्विड जो वेस्ट मटीरियल होता है, तो वो बज़ाहिर तो इंसान के लिए कोई नुकसान नहीं कर रहा होता, लेकिन जाहिर सी बात है पानी के अंदर भी लिविंग थिंग्स हैं, जो आपकी मछलियाँ हो गई, जो आपके दूसरे लिविंग उसमें जो कंपनी वो होती हैं मछलियों के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए इफेक्टिव हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें उन पर कंट्रोल करना है, तो वो आपका आता है टॉक्सिक वेस्ट में। अच्छा, अब सोर्सेज क्या क्या होती हैं। सोर्सेज में आपका माइनिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, माइनिंग मतलब जहाँ से आप उस मटेरियल को निकाल रहे हैं खुदाई करके, या फिर जो आपका एक एरिया है जहाँ से माइन हो रहा है, जैसे कोयला हो गया, सॉल्ट हो गया, इस तरह के जो भी माइनिंग एरियाज होते हैं, और पेट्रोलियम हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो है जो बैटरीज और इस तरह के जो ट्रांजिस्टर्स हो गए, और क्या नाम है, ट्रांजिस्टर्स हो गए, बैटरीज हो गए, इस तरह की जो भी मटेरियल होगा
और रिएक्ट करने से वो खतरा पैदा कर सकता है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आएगा। फिर हॉस्पिटल्स में आपकी जो मटेरियल होता है, चाहे वो जब कोरोना के टाइम पे होता था तो जो उनके इक्विपमेंट होते थे, पीपीईज होते थे, उनको एक अलग तरीके से उनको सील करके फेंका जाता था, उस वेस्ट को बिल्कुल सेपरेटली जो है डिकम्पोज किया जाता था। तो हॉस्पिटल्स के हिसाब से आपके हो गए, हॉस्पिटल्स में आपकी सिरिंजेस आ जाती हैं, इसी तरह से ड्रिप्स वगैरह आ गई, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो आपके मटेरियल यूज होता है उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है वो आ गए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स के अलावा जो आपके मटेरियल होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जिससे आप अपना एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका जो वेस्ट होता है वो किस तरह से हैंडल करना है। और सबसे मेन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होता है वो आपका केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के अलावा बैटरीज हो गई, लिथियम हो गया, इसी तरह से आप अमोनिया हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा रेशो भी होता है वो इंडस्ट्री साइड पे होता है, कि इंडस्ट्रियल साइड का जो वेस्ट होता है वो खास तौर पे सबसे पहले वो इशू क्रिएट होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसको सेग्रीगेट नहीं करती। अगर वो सेग्रीगेट ना करें और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन उसमें कोई रिएक्शन आ जाए, या वो चीज़ किसी और चीज़ से मिलके कोई ऐसी चीज़ कई ऐसा हादसा क्रिएट करें जो कि ख़तरनाक होता है एनवायरनमेंट के लिए भी, उस ड्राइवर के लिए भी जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और उस इंडस्ट्री के लिए भी जो आपको वो वेस्ट दे रही है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये आप देखें, ये जो ड्रम्स जिस तरह से किए जा रहे हैं इसमें सेग्रीगेशन एक प्रॉपर तरीके से हुई हुई है। आप ये बीच में देख रहे होंगे, ये एक गैप आ रहा है। ये गैप क्यों आ रहा है कि ये मटेरियल अलग है और वो मटेरियल अलग है, तो एक बैरियर क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है, और ये नीचे सिर्फ डायरेक्ट ड्रम ही रखे हुए, ये इनके जो प्रॉपर क्रेट्स होते हैं जिसमें वो फिक्स्ड हो जाते हैं, जो ड्रम्स आपके होते हैं वो प्रॉपर फिक्स होते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता ब्रेकिंग के टाइम पे वो उलट ना जाएं या गिर ना जाएं, और उससे गिरने से आपस में रिएक्ट ना करें। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन आपको जो लिमिट दी गई है, जो आपकी स्पीड लिमिट है, आपने उस स्पीड लिमिट के अंदर रहना है, और सबसे ज़्यादा आपने अपनी ब्रेकिंग पे ख्याल रखना है कि जब आप कोई केमिकल या कोई ऐसा वेस्ट कैरी कर रहे हैं जो कि दूसरे से रिएक्ट करने पर ख़तरा पैदा करे, वो आपकी तरफ से कोई ऐसा इशू ना क्रिएट हो, आपकी ड्राइविंग की तरफ से ऐसा इशू ना क्रिएट हो जो कि रिएक्ट कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड क्या होता है कि अगर आप फ्लेमेबल आइटम जिससे आग लग सकती है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके ट्रक पे चारों साइड्स पे वो स्टिकर्स, वो आपके जो प्ले कार्ड्स होते हैं वो मौजूद होने चाहिए। अब फ्लेमेबल मतलब आग लगने वाला मटेरियल आपके पास है, तो वो दोनों साइड्स पे होगा, वो पीछे होगा और वो आगे होगा, और ऐसी जगह पे होगा कि आगे वाली गाड़ी, साइड्स वाली गाड़ियाँ और पीछे वाली गाड़ियाँ उनको विजिबल हो, उनको नज़र आए। ठीक है, इसी तरह से फिर नॉन फ्लेमेबल गैस है जिससे आग तो नहीं लग सकती, लेकिन खुदा ना खास्ता उनके फटने पे वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पे जो प्ले कार्ड आपका होता है वो फ्लेमेबल सॉलिड होता है। फ्लेमेबल सॉलिड मतलब आपका पैकेजिंग मटीरियल या आपका लिथियम आयन बैटरीज, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं। नंबर 8 पे आपका आता है क्रोसिव, फिर उसके बाद कंबस्टेबल गैसेस भी नंबर 4 पे आता है, और फ्लेमेबल सॉलिड्स भी नंबर 4 पे आता है, और नंबर 9 पे क्रोसिव मटेरियल जो कि फौरी रिएक्ट ना कर सकें, ये जो साइन आपका है ये फौरी रिएक्ट ना कर सके, ये नंबर 9 पे आएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट बाय एयर, रेल, रोड और वाटर फॉर ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल पर्पज। ये इसमें ये सिर्फ आपको मीन्स बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं, वो एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है जहाज के जरिए, वो रेल ट्रांसपोर्ट हो सकता है ट्रेन के जरिए, और रोड और वाटर, वाटर से आपका जो शिप्स पे जाता है वो हो गया, और रोड से जो आपका जैसे काम होता है हाईवेज वगैरह पर। अच्छा जी, हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट। अब आपने अपनी हैंडलिंग के हिसाब से उस पर काफी ज्यादा फोकस करना होता है। एक सेकंड, दो मिनट वेट कर लेते हैं, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
एक कोई केमिकल की कंपनी है उसके बारे में उधर फोटो भी चले है ना अपने उसके लिए उसके लिए जो उसका रूल है ना उस रूल के मुताबिक आप पूछा दिया चाहे अब जैसा भी है मगर हम कबूल खोलने पर हाँ जी स्टार्ट करें माइक ऑन कर लीजिएगा
जी रनी साहब, कैन यू हेयर मी? हेलो जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Mr. Ranish. I cannot hear you. Is it? Can you please turn on this Ranish Ali's mic, your own laptop's mic? Yeah, it's on now. Hello. Yeah, I can hear you. I have sent two pictures on Mr. Omar's number. I have sent two pictures on Mr. Omar's number. Mr. Omar is out here. No problem. No problem. You Mr. can. Mr. Omar is out there. Sorry. Omar is out of office. He will be back within 5 minutes. No problem, no problem. I have sent two pictures on Mr. Omar's number. Okay. They are play cards and they should be memorized by the participants so that they should know what their mean is and how they will be recognizing during the transportation. Okay. All right. चलें continue करते हैं. You send email to Omar or by WhatsApp? WhatsApp. Okay. No problem. You can show them after the training. It has to be memorized by them, so they will have an idea during the transportation. Like what play card is the meaning. If it is necessary, we will take a printout and give to every participant. Sorry, again? If it is necessary, we will take printout and give to every participant. That would be better. Yeah, that would be better. All right. So, हम थे handling of hazardous waste. आपने जो आपका खतरनाक मटेरियल होगा, हैजार्डस वेस्ट होगा, उसको हैंडल कैसे करना है. ठीक है, सबसे पहले तो ऑपरेटर के पास लाइसेंस होना चाहिए या अथॉरिटी लेटर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, फिर उनके अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको ये अलाउ है, ये मटेरियल लेके जाना, कैरी करना, ये आपको अलाउ है. इसमें इवन द ट्रांसपोर्टर, मतलब कंपनी को भी ये चाहिए होगा. वो डिपेंड करता है कि उनके मटेरियल्स क्या क्या होंगे. इन केस अगर जैसे वो हैजार्डस मटेरियल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर है कि उनको कोई परमिट चाहिए है या कोई ऐसी रेगुलेशंस चाहिए जिसके बाद आपको वो अलाउ करेंगे, तो वो परमिट आपके पास होना ज़रूरी है. फिर उसके बाद अब जैसे ये ट्रेनिंग आपकी इनके ड्राइवर्स की हो रही है,
तो उनके ये सर्टिफिकेट एज अ सॉफ्ट कॉपी या फिर जिस तरह से भी इनके पास होना चाहिए एज अ प्रूफ कि दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड फॉर द हैजर्डस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन. फिर ड्राइवर क्लीनर एंड हेल्पर शुड बी ट्रेन्ड इन, ये आपका ड्राइवर और हेल्पर्स के हिसाब से ट्रेनिंग का आ गया. फिर उसके बाद आ गया व्हीकल, जो आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ख़ास तौर पे केमिकल और लिक्विड वेस्ट के लिए, वो लीक प्रूफ हो, जो आपका मटेरियल है और उसकी जो पैकेजिंग है वो भी लीक प्रूफ हो. और फिर दूसरे नंबर पे जो आपका ट्रक है उसमें भी इस तरह का आपका कंटेनर हो जो कि लीक प्रूफ हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई लीकेज आती है तो वो रोड पर ना आए. फिर आ गया फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट, जो कि फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, आपकी हर गाड़ी में होना चाहिए बेसिकली वैसे तो, लेकिन आप लोगों के हिसाब से एक रेगुलेटरी भी है कि हर ट्रक में फर्स्ट एड का एक छोटा बॉक्स होना चाहिए. सही है, उसमें आपके बैंडेजेस होती हैं, उसमें आपके क्या नाम है मास्क होते हैं, और एक सीज़र होनी चाहिए. इस तरह से जो फर्स्ट एड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके पास मौजूद हों. फिर आता है स्पिल मैनेजमेंट. स्पिल मैनेजमेंट मतलब जो आप केमिकल या कोई ऐसा लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता वो लीक हो जाता है, तो उसमें आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, और जो उसकी किट होती है अगर वो लिक्विड इतना है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसको साफ कर सकते हैं तो वो वाली किट आपके पास मौजूद हो, और उसको एमरजेंसी किट भी कहते हैं, एमरजेंसी स्पिल किट भी कहते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए. फिर आ गया एंट्री परमिट, वही एनओसीज और परमिट्स हो गए. फिर हैंडल टू बी अवॉइड ब्रेक ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो जो आपके लोडिंग और अनलोडिंग का जो टाइम होगा उसमें आपके पास कंटेनर्स को तरीके से हैंडल करना है, और जो आपके मटेरियल होगा उसको आपने तरीके से हैंडल करना है. अब स्पिल मैनेजमेंट के हिसाब से हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन सिनेरियोज में आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में आपको फ़ौरन एमरजेंसीज को अलर्ट करना है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको आपने अलर्ट करना है कि इस तरह से इस जगह पे पॉइंट ऑफ लोकेशन पे ये हादसा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेन नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, अगर आप स्पिल मैनेजमेंट का आपके वो ट्रेन नहीं हुए तो फिर आपने अथॉरिटीज़ को अलर्ट करना होता है. इसमें बेसिकली स्पिल मैनेजमेंट है क्या चीज़, वो एक सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट ट्रेनिंग उसकी होती है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी चीज़ का स्पिल होता है, किसी केमिकल का स्पिल होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, किस तरह से उसको संभालना है, किस तरह से उसके रिएक्शन को रोकना है, और किस तरह से कंट्रोल करके एट दी एंड जो किट आपने यूज़ की है या जो मटीरियल आपने उस स्पिल को रोकने के लिए यूज़ किया है उसको डिस्कार्ड कहाँ करना है. ऐसा नहीं है कि आपने वो वेस्ट जब एक जगह पे कर लिया और एक शॉपर में डाल के आप एक नॉर्मल डस्टबिन में या एक नॉर्मल कचरे में फेंक देंगे, उसकी ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं होती. उसमें हर मटेरियल के जो डाटा शीट होती है उसमें ये भी मेंशन होता है कि इन केस ऑफ स्पिलिंग आपने उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है और किन सिनेरियोज में किस जगह पर डिस्पोज करना है. और सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका होता है कि खुदा ना खास्ता जब इस तरह की कंडीशन होती है और आप एमरजेंसीज को बुलाते हैं तो आपने वो जो स्पिल मटेरियल होता है, जो आपकी किट का मटेरियल होता है जो ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, वो आप उन अथॉरिटीज़ को दे देंगे कि ये वो मटेरियल है, और आप वो उनको दे के ताकि वो जो भी उनका तरीका होता है वो अपने हिसाब से डिस्पोज करते हैं. उनके पास प्रॉपर कंटेनर्स होते हैं, उसमें जो मटेरियल उन्होंने जलाना होता है उसको जला देते हैं, जिस वेस्ट को उन्होंने क्या नाम कंटेमिनेट करना होता है वो कंटेमिनेट कर लेते हैं. अच्छा, फिर आ गया स्टोरेज. स्टोरेज से में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी सीलिंग, ये मटेरियल की सीलिंग प्रॉपर हो. और फिर उसके बाद जो आपका स्टोरेज स्पेस है उस स्पेस से ज़्यादा आपने नहीं भरना, और इतना कम भी नहीं करना कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के दौरान वो वेस्ट आपका दूसरी जगह से या दूसरे मटेरियल से टकरा के कोई हादसा क्रिएट करे. द स्टोरेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट मींस कीपिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड एट द एंड ऑफ विच द हैजार्डस वेस्ट इज ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह पे आप वो मटेरियल रख रहे हैं तो वो नॉर्मली जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का मटीरियल वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि आपने उसको परमानेंट नहीं रखना वहाँ. मिसाल के तौर पर अगर आप
जद्दा से लेके रियाद तक आप कोई मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो वो जो आपका जो भी सफर का टाइम होगा वो एक टेम्प्रेरी पीरियड है। उस टेम्प्रेरी पीरियड में आपने जो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपके स्टोरेज जो कैटेगरी आएगी उसके अंदर आपने देखना है। उसमें सेग्रीगेशन ज़रूरी है। सेग्रीगेशन वही बात जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मटेरियल दूसरे उस मटेरियल के पास ना हो जो उससे रिएक्ट करके ख़तरा पैदा कर सकता है। सेग्रीगेशन के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपके पास कंटेनर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम लोड कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर रहते हुए करना है। फिर जैसे थर्ड फोर्थ रूल होता है कि आपने उसको अपने कंटेनर को 3/4 क्वार्टर तक आपने एटलीस्ट उसमें स्पेस छोड़ना है। लेकिन फिर भी वो उस कंटेनर पर डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो उसको कहाँ तक बेयर करेंगी और किन कंडीशन में आप उसको लोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग पे बिल्कुल नहीं जाना। अगर इस किसी एक कंटेनर की मिसाल के तौर पे इसकी जो लिमिट है वो 1000 टन है, और 1000 टन से आप क्रॉस करके अगर 1100 टन भी कर देंगे ना, तो उस पे सबसे पहले आपको फाइन भी है। फाइन के बाद खुदा ना खास्ता अगर किसी एक मटेरियल में बर्स्टिंग हो गई, अगर वो फट गया और वो उसने दूसरे मटेरियल से रिएक्ट करके अगर आग पैदा की, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा करती है। क्योंकि जब आपका कंटेनर ऑलरेडी ओवरलोडेड होगा, भरा हुआ होगा ज़्यादा, तो जितना एक नॉर्मल वेट में और एक ओवरलोडेड वेट में जो टाइम का फ़र्क आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये कि अगर जैसे एक नॉर्मल आपके वेट जो अलाउड था उसमें अगर उसने 5 मिनट में फैलना है, तो ओवरलोडेड में शायद वो 2 मिनट में वो चीज़ फैल जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। It should not be stored at the place of generation. Thank you. क्या हुआ? हेलो या जी, वी शुड स्टार्ट। अजान हो गई थी। अच्छा जी, तो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होती है, जो आपका स्टिकर्स लगे हुए होंगे उसमें आपकी डिटेल लिखी हुई होगी, स्पेसिफिकेशंस होंगी उस मटेरियल से रिलेटेड। अब वो मटेरियल उस शीट से वो होगा स्पेसिफाई करेगा कि क्या कैटेगरी है, ठीक है। वो आपकी बेसिकली कहलाएगी हैजमेट शीट। हैजमेट मतलब हो गया हैजर्डस मटेरियल शीट, और वो हैजमेट वेस्ट भी कहलाता है। इसी तरह से जो इसके HWM भी कहते हैं उसे, हैजर्डस वेस्ट मटेरियल शीट, HWM शीट। वो उसमें स्पेसिफिकेशन मेंशन होंगी, उसमें कैटेगरी मेंशन होगी, और काफ़ी सारी शीट में ये भी होता है कि रिएक्शन कौन से मटीरियल से वो कर सकता है। तो उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा कि अगर कोई मटेरियल बिल्कुल सेपरेटली वो करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो भी मेंशन्ड होगा। तो वो चीज़ आपने वेरीफाई करनी है ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड प्लेसिंग इन द कंटेनर, कि आपकी वो शीट उसमें मौजूद हो। फिर कंटेनर्स जो आपके होंगे वो एक तो लीक प्रूफ होने चाहिए, और काफ़ी सारे कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं। तो इन केस ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल आपका जो कंटेनर हो वो फायर प्रूफ हो, और स्पेसिफिकेशंस और कुछ इंस्पेक्शंस वगैरह वो आपके मटेरियल के हिसाब से होंगी। कंटेनर्स की वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या होगा, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिकेशन। नॉर्मली ज़्यादातर इंस्पेक्शन इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने कंटेनर्स की, आपके जो पैकेजिंग होंगी, जो मटेरियल आपका होगा,
उसके हिसाब से आपको आइडिया होगा कि किस कैटेगरी के हिसाब से आपने उसको करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। फिर उसके बाद कंटेनर शुड बी ट्रांसपोर्ट एंड माइल्ड स्टील एंड एंटी क्रोसिव, उसमें जंग ना लगा हो। अक्सर ये होता है कि जो जंग वाली जगह होती है वहाँ पे फौरन रिएक्ट करता है, खासतौर पे जो केमिकल्स होते हैं आपके क्रोसिव मटीरियल होते हैं वो जंग वाली जगह पे फौरन रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद जो आपकी डॉलीज और ड्रम्स हो गए उन वो तरीके से सील्ड हों, उनके ऊपर जो भी सीलिंग है वो प्रॉपर हो और लेबलिंग हो। फिर उसके बाद लिक्विड हैजार्डस मटेरियल वो भी सील्ड हो और प्रॉपर मार्किंग उस पर हुई हो, जो भी आपकी लेबल्स हैं, जो भी कैटेगरी है, चाहे वो इग्नाइटेबल हो, फ्लेमेबल हो या क्रोसिव हो या टॉक्सिक हो, उस पर प्रॉपर कैटेगरी मेंशन हो। इसी तरह से कंटेनर के बाहर जैसे हमने उस पिक्चर में देखा था कि आपके चारों साइडों पर वो कैटेगरी मैंशन हो, वो स्टिकर्स आपके प्ले कार्ड्स लगे हुए हों। ठीक है, अब तक कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? मिस्टर रनेश, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? द थिंग व्हिच आई वांट टू क्लैरिफाई इज जो हम कार्गो लोड कर रहे हैं वो नॉर्मल कंटेनर वो मेरे ख्याल में स्टील नहीं रहते हैं, वो उसमें सीलिंग नहीं होती है इसमें। मुझे मेक श्योर करना कि ये कंटेनर जो हमारा है वो उसमें, चलो ठीक है वो तो मैं चेक करेगा। बेसिकली वो भी डिपेंड करेगा कि आपका जो मटेरियल होगा स्टेनलेस स्टील ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेनलेस स्टील ये कंटेनर चाहिए आपके आपके मटेरियल के लिए। जी जी नॉट नेसेसरी कि वो स्टेनलेस स्टील हो, वो बेसिकली एक ये चीज कवर कर रहा है कि एंटी क्रोसिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जंग होगा ना तो वो जंग की सूरत में फौरन रिएक्ट करेगा। अगर मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल आपका एक एरिया है जहाँ पे रस्टिंग शुरू हो रही है तो उस रस्टिंग को आप ऑन टाइम वो कवर कर लें। मिसाल के तौर पर अगर उस पर पेंट करना है या एंटी क्रोसिव मटीरियल उस पर लगाना है तो वो लगा के उसको अगर कवर कर लेंगे तो रिएक्शन फौरन नहीं होगा, रिएक्शन टाइम उसका बढ़ जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई लीकेज होती है। बेयर मेटल पे बेसिकली फौरन रिएक्ट करता है, जो भी बेयर मेटल होगा ना अगर उस पर पेंट या कोई ऐसी फिल्म नहीं है तो उस पर केमिकल्स फौरन रिएक्ट करते हैं। जी, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपका सबसे पहले तो तीन कैटेगरीज आती हैं, बल्कि चार कैटेगरीज आती हैं, एयर हो गया, रेल हो गया, बाय रोड हो गया और बाय सी हो गया। फिर उसमें आता है बल्क है या नॉन बल्क है। अब बल्क में आपका हाईवेज भी आते हैं, रेल भी आता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। अब हाईवेज पे आपके जो ट्रक कैटेगरीज आ गई उसमें जो भी मटेरियल होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है कोई भी चीज़। अब वो अगर जैसे आपके वो हैं ड्रम्स हैं वो मोर देन 50 या जो उसकी एक कैटेगरी है, जब जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बेहतर आप उस चीज़ को समझ पाते हैं कि वो बल्क क्वांटिटी में है या एक नॉर्मल क्वांटिटी में। अगर वो नॉन बल्क में है तो वो सेग्रीगेट भी करना पड़ता है। बल्क होगा तो आपको पता है कि ये एक सेम कैटेगरी का है, मिसाल के तौर पे कि कोई एक केमिकल मटीरियल है जिसके आपके पास 1000 ड्रम्स आए, अब वो एक बल्क क्वांटिटी है। अब उस बल्क क्वांटिटी को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने एक प्रॉपर जो आपका कंटेनर होगा उसमें आपने प्लेस किया, उसकी जितनी भी प्रिकॉशंस थी वो आपने पूरी की, प्ले कार्ड्स लगाए, आपने अपने सेफ्टी के जो भी मेजर्स थे वो पूरे किए और फिर उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन कर ली। मेन जो चीज़ है नॉन बल्क ट्रांसपोर्टेशन में, नॉन बल्क में क्या है कि आपकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी उसमें, आपका हैजार्डस मटीरियल में फ्लेमेबल भी आ सकता है और फ्लेमेबल के साथ आप रिएक्टिव मटेरियल भी अगर लेके जा रहे हैं तो उसमें आपने सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करते हुए एक बैरियर आपने लगाना है, चाहे वो जिस भी मटेरियल का हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो या ऐसा जो नॉन रिएक्टिव, एक बैरियर ऐसा हो कि अगर फ्लेमेबल है तो फ्लेमेबल रिएक्टिव से मिलके कोई ऐसा रिएक्शन ना क्रिएट करे जिससे आग या करोजन पैदा हो सकती है, तो वो सेग्रीगेशन ज़रूरी है और बैरियर लगाना ज़रूरी है। उसमें अगर वुड है और वुड कैरी कर रहे हैं और साथ में आपका कोई ऐसा मटेरियल है जो कि आग पकड़ सकता है
अब लकड़ी से लकड़ी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लकड़ी के साथ ऐसा मटेरियल है जो कि फौरन किसी चीज पे पड़ने से आग लगाएगा, तो वो आपकी पूरी गाड़ी भी जला सकता है और रोड पे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सेग्रीगेशन इस केस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने उस प्रोडक्ट को सेपरेट रखना है दूसरे प्रोडक्ट से। अब जैसे आपने बताया था कि जो फिलहाल आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा है ग्लास मटेरियल से जो रिलेटेड है रॉ मटेरियल, उसमें भी आपने बहुत ज्यादा वो केयरफुल रहना होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कोई ऐसी चीज के साथ ट्रांसपोर्ट ना किया जा रहा हो जो कि रिएक्ट करे। आपके केस में रनी साहब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि ग्लास के रॉ मटेरियल से रिएक्ट करके कोई हैजर्ड पैदा कर सके? पोटेशियम क्लोराइड ऐसा एक केमिकल है, लेकिन वो ये बल्क है, बल्क क्वांटिटी है, बल्क यानी एक ट्रक में वही लोड कर रहा है, उसका साथ और कुछ भी नहीं है, कोई और मटेरियल नहीं होता। बिल्कुल सही है, मेन यही मकसद है कि अगर इन केस दो से एक या एक से ज्यादा कोई मटेरियल होते हैं तो सेग्रीगेशन जरूरी है उसकी। जी नॉर्मली ये बल्क लोड करता है, ये सेग्रीगेशन का जरूरत है, नॉन बल्क अभी अभी तक नहीं आया, जो भी है वो एक बल्क वो पूरा खत्म करके फिर दूसरा शुरू करता है। गुड गुड गुड। और जो फ्यूचर में आप लोगों का प्लान है वो उसमें मतलब मिक्स प्रोडक्ट्स होंगे या वो भी बल्क क्वांटिटी में होंगे? वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल में उसमें ये नॉन बल्क भी होगा। नॉर्मल भी होगा, मतलब सेग्रीगेशन की जरूरत पड़ेगी उसमें। सही सही सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि हैजर्डस मटेरियल होते हैं तो उसमें आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसमें आपके नॉन फ्लेमेबल गैस आ गई, क्रोसिव मटेरियल आ गया, फ्लेमेबल लिक्विड आ गए, फ्लेमेबल सॉलिड्स आ गए, इसी तरह से टॉक्सिक मटेरियल्स आ गए, तो उनको सबसे पहला जो वेरीफाई करने का तरीका है वो है प्ले कार्ड। प्ले कार्ड्स आपको याद होने चाहिए, मैंने उमर साहब के नंबर पे व्हाट्सएप भी किया है, वो रजनी साहब आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, ठीक है? तो उन प्ले कार्ड्स को आपने याद रखना है कि ये जो कैटेगरी है इसका क्या मतलब है। फ्लेमेबल है तो मतलब उससे आग लगेगी, अगर वो क्रोसिव है तो वो जंग पैदा करेगा, ठीक है? अगर वो नॉन फ्लेमेबल गैस है तो वो हवा में रिएक्ट करने के बाद कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन देगी जिससे नुकसान पहुंच सकता है, तो वो प्ले कार्ड्स आपको याद होने चाहिए। इन केस अगर जैसे आपको वो याद नहीं होते तो आप कोशिश करें कि उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, ठीक है? जब आप ट्रांसपोर्ट आप अपने काम पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, आप खुद नोट कीजिएगा काफ़ी सारे ट्रक्स पे ये प्ले कार्ड्स मेंशन होंगे, लगे हुए होंगे, तो आपको वो देख के आइडिया हो जाएगा। जब कुछ टाइम तक आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा कि यार ये वाला जो प्ले कार्ड है इसका मतलब है कि ये फ्लेमेबल चीज़ें लेके जा रहे हैं, और अगर दूसरा कोई क्रोसिव का उस पर लगा हुआ है तो उससे आपको पता होगा कि वो क्रोसिव है, उससे जंग लग सकता है। फिर उसके बाद आपको डाटा शीट दी जाएगी मटेरियल की, उस डाटा शीट में आपके पास मेंशन होगा कि ये जो मटेरियल आप कैरी कर रहे हो इसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है? वो अगर आपको कोई गवर्नमेंट का इदारा रोकता भी है, आपसे पूछता है कि भाई आपका मटेरियल क्या है, आप कहाँ लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, तो वो डाटा शीट आपको पूरा बता रही होती है। उस डाटा शीट में उसकी सारी कंपोजिशन मेंशन होती हैं, उसमें ये मेंशन होता है किस टेम्परेचर पे आपने उसको रखना है, किस एनवायरनमेंट में आपने रखना है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी। अब वेस्ट सेग्रीगेशन एंड प्ले गार्ड्स, अब ये देखें, ये एक सेग्रीगेशन सारी बता दिए कि हैजर्ड से रिलेटेड आपने कैसे उनको सेग्रीगेट करना है, अलग अलग कैसे करना है। फ्लेमेबल है तो उसको ऑक्सीडाइजर से अलग रखना है, ऑक्सीडाइजर्स को फ्लेमेबल और एसिड से अलग रखना है, इसी तरह से जो बेस मटेरियल बेसिस मटेरियल है उनको एसिड से अलग रखना है। इन सब की कैटेगरीज डिफरेंट हैं, ठीक है? तो इन कैटेगरीज के हिसाब से आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी डिफरेंट होगी, और कुछ केसेस में अगर वो साथ कैरी किए जा सकते हैं तो उसमें सेग्रीगेशन करनी है। सेग्रीगेशन में आपने बैरिगेट क्रिएट करना है, बैरियर क्रिएट करना है दो मटेरियल्स के बीच में कि वो आपस में रिएक्ट ना कर सकें। ये बीच में जो बैठे हैं आरिफ साहब हैं। जी सर। सर कैसी जा रही है ट्रेनिंग? सर अच्छी है। अभी मैं क्या बता रहा था? जी आप बता रहे थे कुछ भी मिक्स नहीं लेकर जाना है, अलग अलग लेकर जाना है। अगर कुछ मिक्स लेकर जा रहे हैं जो आप पकड़ते हैं तो उसमें बीच में कुछ बैरियर करना है।
ठीक है, कौन कौन से केसेस में बैरियर करना है और कौन से में क्या बैरियर नहीं करना? जैसे ये लेकर क्लैम्बर लेकर जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरा मटेरियल अगर लगाएंगे तो बीच में बैरियर करना है, क्योंकि एसिड होता है फिर आग लग जाएगी। और अगर बल्क क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं तो? कुछ नहीं लेकर जाना सर, वो अलग ही रहेगा, बल्क क्वांटिटी में अलग ही रहेगा। जी सेपरेट रहेगा बल्क। ठीक है, बिल्कुल। बल्क क्वांटिटी में अगर आप लेके जा रहे हैं और अगर आपका एक ही मटेरियल है तो सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास नहीं है जो कि दूसरे से रिएक्ट करेगा। ठीक है जी सर, वो सेपरेट है। चलें, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग रह गई, थोड़ी सी मेरी बातें सुन लें, उसके बाद आपकी बात भी सुन लेंगे। सही है जी सर, आपस में फिर बात कर लीजिएगा। थैंक यू। वेस्ट सेग्रीगेशन आपने कर ली, कैबिनेट्स यूज करने हैं जो आपके क्रेट्स होंगे जिन पे आपने प्लेसिंग करनी है, उनमें प्रॉपर एक ग्रिप हो जिससे स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग और ट्रिपिंग ना हो, जिसकी वजह से वो फैलेगा और दूसरे से रिएक्ट कर सकता है। तो सेग्रीगेशन में इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आइडियल फ्लेमेबल एंड कोरोसिव वेस्ट, अब ये जो आपको एक मिसाल दी हुई है ना, ये एक फ्लेमेबल और एक कोरोसिव वेस्ट है। इसमें कोशिश, मतलब ये बेसिकली डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर और फॉलो भी किया जाता है, कि अगर दो अलग अलग मटेरियल हैं तो उनके या तो कलर्स डिफरेंट होंगे या फिर उनके ऊपर जो लेबलिंग होगी वो इतनी वाजे होगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल इस कैटेगरी के साथ के लिए सूटेबल नहीं है जी। तो उसकी सेग्रीगेशन के लिए ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब जैसे इस केस में ये दोनों अलग अलग मटेरियल हैं तो इन्होंने दोनों के कलर्स मेंशन कर दिया। अब इसका क्या होगा कि जो आपकी डेटा शीट होगी ना, उस डेटा शीट पर वाजे लिखा हुआ होगा कि येलो कलर के जो कंटेनर है उसमें ये मटेरियल है और ब्लू कलर का जो कंटेनर है उसका ये मटेरियल है। उसकी सेग्रीगेशन के हिसाब से आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है जी सर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लोडिंग और अनलोडिंग की, कि लोडिंग और अनलोडिंग के दरमियान आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने जो आपकी सेफ्टी गाइड होगी आपने उसको फॉलो करना है, उसमें आपके प्रोसीजर्स लिखे हुए होंगे कि लोडिंग अनलोडिंग के क्या मेथड्स हैं, आपने किस जगह पे अपनी गाड़ी को प्रॉपर पार्क करना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। सही है, आपने अपनी गाड़ी के इग्निशन को ऑफ कर लेना है, और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पॉल्यूशन है या कोई ऐसी टॉक्सिक मटेरियल है तो उसमें अक्सर ये होता है कि क्लोज इन्वायरमेंट में आपकी शिपिंग होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो लोडिंग होगी वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में होगी, एक कंपार्टमेंट में होगी, इसी तरह से जब वो अनलोडिंग होगी तो उस जगह पे भी वो क्लोज इन्वायरमेंट में होगी। बेसिकली वो ज़्यादातर होता है टॉक्सिक मटीरियल्स के लिए। टॉक्सिक मटीरियल्स में क्या होता है कि जब आप उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक क्लोज इन्वायरमेंट में आपकी गाड़ी पार्क होती है, उसी जगह पे जब वो लोड हो जाएगी तो वापस सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद वो ड्यूरिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन वो पूरा सील रहेगा, और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे भी जो आपका अनलोडिंग एरिया होगा वो कम्प्लीटली वो होगा बंद होगा, कवर्ड होगा। उसके अंदर जाके स्पेसिफिक जगह पे आपने स्पेसिफिक प्रिकॉशंस के साथ उसको अनलोड करना है। अच्छा, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे आपके पास कुछ चीज़ें जो कि रेडिली अवेलेबल हों, जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर है, आपकी फर्स्ट एड किट है, आपका PPEs हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपका सूट होगा या आपके बूट्स हो गए, आपके ग्लव्स हो गए, आपके गॉगल्स हो गए, हेलमेट हो गया, ये चीज़ें आपकी रेडिली अवेलेबल हों आपके पास। और कोई ऐसा मटेरियल है जो आपके आप किसी पाइपलाइन से फिलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई टैंक है उसकी फिलिंग आप कर रहे हैं, तो उसका जो इमरजेंसी बटन है वो आपकी रेंज में होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अगर जैसे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ है या वो पाइप निकल गया तो आपको उसके लिए भागना पड़ रहा है, और वो आपके ईजी एक्सेस में हो, मतलब आपका हाथ वहाँ करीब आसानी से पहुँचे उस जगह तक, एमरजेंसी स्टॉप तक। ठीक है जी जी। तो उसके बाद जो आपके हैंडल सिलेंडर्स एंड पैकेजेस केयरफुली, जो सिलेंडर्स वगैरह हैं उनको आपने केयरफुली ट्रांसपोर्ट करना है, और लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे ये चीज़ वो करनी है, अपनानी है कि जो उसका टॉप होगा सिलेंडर्स का खास तौर पे वो हमेशा
टॉप पे हो और उसका जो एंगल हो वो मोर देन 45 नाउ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, अगर सेपरेटली कैरी किया जा रहा है, अगर सेपरेटली कैरी किया जा रहा है तो उसका जो एंगल हो वो मोर देन 45 डिग्रीज ना हो, मतलब 45 से कम हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो गिरता है तो वो उसका जो टॉप है, जो उसका नोजल है, वो नीचे जाके फटे नहीं, ठीक है। और सबसे पहले तो उस पर ये देखना है कि उसके जो सेफ्टी कवर होता है वो लगा हुआ होना चाहिए सिलेंडर्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद हैंडल एम्प्टी ड्रम, अगर आपका कोई ड्रम खाली है तो उसको भी आपने उसी तरीके से हैंडल करना है जो कि जैसे आप भरे हुए ड्रम को करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ओवरलोड नहीं करना, आपके जो एयर सर्कुलेशन है कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें कॉम्पैक्ट रहने की वजह से फ्यूम्स क्रिएट हो सकते हैं, या जिस टाइम पे आप उसको अनलोड करने लगें तो वो इस तरह के फ्यूम्स आपके ऊपर आएँ जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, तो उसमें आपके पास एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए। अब जैसे एक मैंने आपको बता दिया कि क्लोज इन्वायरमेंट में आपकी लोडिंग अनलोडिंग होगी, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें ओपन इन्वायरमेंट ज़रूरी है, खुदा ना खास्ता अगर आग लगती है तो वो ओपन इन्वायरमेंट हो और उसको कंट्रोल किया जा सके, अगर बंद होगी जगह तो अंदर की जो जगह होगी उसमें भी आग लग सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं लोडिंग अनलोडिंग के टाइम वो पूरे हों, आपका फर्स्ट एड इक्विपमेंट आपके पास पूरा हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आपके पास पूरा हो, और आपकी जो सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, आपकी जो किट है वो आपके पास होनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, फिर उसके बाद अनलोडिंग और लोडिंग के टाइम पे आपने जब कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाए तो कुछ चीज़ें जो वेरीफाई करनी है ट्रेवल से पहले, कि आपका जो ट्रक है, सबसे पहले आपका जो कंटेनर है उसको आपने प्रॉपरली लॉक कर दिया, उसके बाद इन केस अगर कोई सील वाला कंटेनर है तो उसकी सील आपने प्रॉपर लगा दिया। उसके बाद जब आप अपने ट्रक को स्टार्ट कर रहे हैं, आपने नोट करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि कहीं से कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं है, फ्यूल लीकेज चेक करनी है, और एक मटेरियल के हिसाब से आपने अपनी स्पीड और अपनी ब्रेकिंग, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना अगर कहीं पे 80 की लिमिट है और खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि आपने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अगर मिसाल के तौर पे आगे दूसरी गाड़ी जा रही है और उससे इमरजेंसी ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ी है तो आपके पास एक इतना टाइम हो, इतना गैप हो कि उसको आप सेफली ब्रेकिंग कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक ली तो आपका और आपकी जो पैकेजिंग है वो सिक्योर नहीं है, पूरी तरह से बंदी भी नहीं है, तो वो अंदर ही डैमेज क्रिएट करके नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे आग भी लग सकती है और क्रोजन भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पीपीईज पे। पीपीईज में आपकी जो मेन चीज़ें आती हैं वो आपका सूट आ गया, फिर उसके बाद आपके शूज़ होते हैं, वो रबर शूज़ भी हो सकते हैं इन केस ऑफ केमिकल, आपके ग्लव्स होते हैं, आपके गॉगल्स हैं, हेलमेट है और एप्रन है एक सेकंड, दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी चलाने पूछ लेते हैं काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मीटिंग अटेंड करके ट्रेनिंग देके जब काम कर रहा, ये जो ये
सर्टिफिकेट देंगे ना ये कि हम इस कंपनी में ये काम कर रहे हैं केमिकल का, तो इन्होंने पूरी मीटिंग अटेंड की है, उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया है कि हाँ हम काम करें। काम नंबर चाहिए था, सर्टिफिकेट चाहिए कि किस कंपनी से के बाद में कि हाँ ये बंदे सब मालूम है इन्हें सब बताएंगे। ये तो जो बताया अभी तक तो सही है, केमिकल लाया था मैं उधर से अभी तक तो सही है, वो पूरा सेफ्टी के साथ अंदर गाड़ी एंट्री करी थी केमिकल वाला टैंक अलग ही चीज है, वो उसमें भी ऐसी सिस्टम है कंटेनर में। जी कंटिन्यू करें। जी सही, अभी तक कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, कोई ऐसा सवाल? जी आरिफ साहब सारी चीजें क्लियर है? जी सर। जी सर। इजाजुल साहब? जी जी। और रिजवान साहब है ना जो बराबर में बैठे हैं? जी जी। एक और तो जमीन वो नमाज पढ़ने के लिए गया। अच्छा अच्छा, नमाज पढ़ने गया, सही है। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। Okay. अच्छा जी, केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक प्रॉपर अलग एक एजुकेशन है केमिकल स्पिल की। केमिकल स्पिल में ये है कि खुदा ना खास्ता आपका जो मटेरियल आप कैरी कर रहे हैं उसमें अगर लीकेज आ जाती है, और लीकेज आ जाती है या कोई ड्रम आपका लीक होता है या लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे वो उलट जाता है, तो उसमें आपने क्या करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेने हैं, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उस दौरान, और मटेरियल कौन सा है। सबसे पहले मटेरियल के हिसाब से भी आपने देखना है कि मटेरियल की कॉम्पोजिशंस क्या हैं जिसमें आपने वो कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। ठीक है, उसमें आपका इन्वायरमेंटल डैमेज भी है, प्रॉपर्टी डैमेज भी है, और ह्यूमन आपके बंदे के हिसाब से भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, और रैपिड रिस्पॉन्स उसमें ज़रूरी है, मतलब अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है तो उस बंदे को फौरन एक्शन लेना है, और टेंशन में नहीं आना, पैनिक नहीं होना, अगर पैनिक होंगे तो वो खुदा ना खास्ता मसला और ज़्यादा बढ़ सकता है। टाइमली रिस्पॉन्स ज़रूरी है, अगर टाइम पर उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो वो ज़्यादा फैलेगी नहीं। अच्छा, इसमें मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि थोड़ी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। So that they could leave the site. Franklin once determined the polluting never removed chemicals from the farm. If they splash snow, the chemical spill. जी आ रहे नजर, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज नहीं है, आवाज आपका आवाज आ रहा है लेकिन वीडियो का आवाज नहीं है। ओके एक मिनट। Mm-hmm.
Okay.
जी फिर क्या समझ आया इसे? अरे साहब क्या समझ आया फिर? सर ये है कि अगर कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो पानी में डाल दिए तो उसमें मछली मर गई और अपने आप को भी नुकसान हो सकता है। वो पेड़ों पे छिड़क रहा था, ये इसने ऐसे हाथ लगाया तो इसके शरीर के अंदर चले गए वो कीटाणु। फिर आखिर में मसला क्या हुआ था? वो सब उसके अंदर का सब खत्म हो गया। हाँ, बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी खत्म हो जाती है। सारे उसके जो अंदर हार्मोन्स थे सब खत्म हो गए। बेसिकली जो मैंने आपको हैजर्ड्स बताए थे और जो उनकी कैटेगरीज हैं ये कवर की हुई थी, उसमें वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि कौन सी कैटेगरी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो आपने पीछे पढ़ा था ना सारा, उसको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था सारा। इसमें टॉक्सिक का ज्यादा वो है, टॉक्सिक्स का। तकरीबन सारे खतरनाक हैं, सारे हैजर्ड्स खतरनाक हैं। हर हैजर्ड पे हमें प्रिकॉशन जरूरी है। तो अब वापस हम अपने स्पिल वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब स्पिल को हमें असेस कैसे करना है कि किस तरह से पता चलेगा कि स्पिलिंग है और उसकी इनिशियल साइटिंग को रिपोर्ट कैसे करना है? Spill shall be assessed in the following order: initial sighting. Upon discovering a spill, an employee shall immediately notify their supervisor. अगर कहीं पे कोई spill आपको पता चलता है, चाहे वो आपकी अपनी साइट पे हो या किसी और जगह पे हो या आपकी अपनी गाड़ी में हो रहा हो, तो सबसे पहले तो आपने notify करना है। आपने अपनी टीम को बताना है, आपने अपने ऑफिस कॉल करके बताना है कि इस तरह से हमारे इस मटीरियल में लीकेज आ गई है। आपने ये नहीं घबराना है कि भाई आपके ऊपर वो ब्लेम आ जाएगा या इस तरह से, या कंपनी आपको कुछ कहेगी। आपने रिपोर्ट ज़रूर करना है। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता वो बढ़ गया तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह, वो फिर सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदेह। जो रोड पे दूसरे लोग जा रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह, एटमोसफेयर के लिए नुकसानदेह, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह। ठीक है, फिर असेसमेंट करनी है कि जो लीक हुआ है, जो लीकेज है, उसमें किस हद तक शिद्दत है, कितनी ज़्यादा लीकेज है। वो इतनी है कि इजीली कंट्रोल हो सकती है, आपके अपने तौर पे कंट्रोल हो सकती है, या फिर आपने डिपार्टमेंट्स को बोलना है, जो भी सूटेबल डिपार्टमेंट होगा आपने उसको इन्फॉर्म करना है। स्पिल रिस्पांस डिपार्टमेंट एक सेपरेट होता है सऊदीया के हिसाब से। मैं शेयर कर दूंगा उमर साहब से कोई स्पेसिफिक अगर होगा तो। उसके अलावा फिर आपने उनको इन्फॉर्म करना है इनकेस अगर ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा। फिर नोटिफिकेशन जब आप वो करेंगे तो उनको आपने अपना प्रॉपर डिटेल बतानी है। आपने उनको कैटेगरी बतानी है कि जो मटेरियल है वो क्या है। लोकेशन आपने प्रॉपर गाइड करनी है उनको। बेसिकली आपने प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देनी है ताकि जब वो स्पिल रिस्पांस टीम आपके पास आए तो उनके पास इस तरह की कोई चीज़ ये ना हो कि वो मटीरियल उनके पास मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा मटीरियल है जो के प्लास्टिक से रिएक्टेबल है, रिएक्ट कर जाएगा, और वो सेम चीज़ ले आते हैं तो फ़ायदा नहीं है, वो उस स्पिल रिस्पांस को रोक नहीं पाएंगे। तो जब उनको कैटेगरी पता होगी तो वो उसके हिसाब से उस पर रिस्पांस करेंगे, वो मटेरियल उनके पास मौजूद होगा। ठीक है जी सर। फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया आपने, रिपोर्ट कर दिया आपने, रिपोर्टिंग सारी उनको बता दी आपने, सारी एमरजेंसी अथॉरिटीज़ को आपने इन्फॉर्म कर दिया, कैटेगरीज बता दी आपने, अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कंपनी को, और फिर उस पर एक्शन लेना है। उसके बाद क्लीनअप किस तरह से करना है। क्लीनअप के लिए आपके पास एक कंप्लीट किट होनी चाहिए। अगर आप केमिकल ट्रांसपोर्टेशन आपकी चल रही है तो उसमें आपके पास एक स्पिल रिस्पांस इमरजेंसी किट होती है। वो एक वीडियो हम आखिर में लगाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर वो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। वो आपके पास होना चाहिए। एक बकेट होगी, बकेट के साथ आपके पास काफ़ी सारे टॉवल्स होंगे जो कि एब्जॉर्ब भी करेंगे और रिएक्ट नहीं करते, मतलब काफ़ी सारे केमिकल से वो रिएक्ट करके ख़राब नहीं होते। वरना नॉर्मल अगर कोई क्लोथ होगा वो आप उस पर जब रखेंगे तो वो फ़ौरन से सड़ जाएगा या गल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास आपके गॉगल्स होने चाहिए, और अगर इस तरह का केमिकल है जो ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है
तो आपके पास आपका कॉस्ट्यूम होना चाहिए, जो प्रोटेक्ट करने वाला कॉस्ट्यूम होगा वो होना चाहिए, ठीक है। फिर वंस स्पिल हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड कंट्रोल्ड प्लेस मटेरियल इन प्रॉपर कंटेनर, जो कंटेनर उसका होगा उसमें आपने वो कर देना है, उसके अंदर डाल देना है, जब आपने सारा वो निचोड़ लिया जमीन से या जो भी आपका आपके ट्रक से अगर आपके कंटेनर में गिरा है तो उसको आपने तरीके से जब सारा एक जगह पे सोक कर लिया उसके बाद आपने उस कंटेनर में डालना है। कंटेनर में डालने के बाद ये नहीं कि जो नियरेस्ट आपका क्या नाम है बकेट आ रही हो कचरे की उसमें डालना है, इस तरह से नहीं करना, उसको आपने प्रॉपर डिस्पोज करना है। अगर अथॉरिटीज को, अगर आपके जैसे कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे हो सकता है कि डिस्पोज ऑफ अथॉरिटी भी कोई होगी तो उनको आपने वो देना है, या उनको रिपोर्ट जब करेंगे तो हो सकता है आपसे खुद कलेक्ट करने आ जाएंगे, सही है। उसके बाद जब डीकंटेमिनेट करना है, एम्प्लॉय शैल इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इफ नीडेड, अगर कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वो केमिकल जब गिरा है तो वो जाहिर सी बात है उसके फ्यूम्स आपके नाक में जा सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, आपका गला ख़राब कर सकते हैं, आंखें जल सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद कंसिडर प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के जो एरिया होगा वहाँ पे मतलब जहाँ पे स्पिल हुआ है उसमें विंड की डायरेक्शन क्या है, तो आपने उस हिसाब से उसके कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर हवा का डायरेक्शन इस तरफ है और आप भी इसी तरफ खड़े हैं तो वो जो फ्यूम्स होंगे वो आपके डायरेक्ट नाक में जा सकते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो हवा की डायरेक्शन होगी आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होना है, ताकि अगर जो फ्यूम्स होंगे वो उसी तरफ से जाएं, आपके नाक में ना आए, दूसरी साइड पे जाने चाहिए, ठीक है। फिर वर्कर शैल स्टे अप एंड हवा के उसमें जो है दबाव में, मतलब वो ज़्यादा वो नहीं करना है कि क्या नाम है उसके क्लोज हो जाए, आपने अपने आप को थोड़ा दूर रखना है उससे। इक्विपमेंट यूज इन द रिमूवल एंड क्लीन अप शुड बी चेक्ड इन बिफोर बीइंग यूज्ड, तो अगर कोई ऐसा मटीरियल है जो आप रीयूज कर सकते हैं तो उसमें आपने पहले वेरीफाई करना है कि अगर इस मटीरियल पे आपने यूज़ किया है तो वापस आप उसको यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आपने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना है ताकि वो ऑन टाइम आपके दूसरा जो विजिट होगा या जो भी आपका शिपमेंट होगी उससे पहले आपको वो प्रोवाइड करें, ठीक है। मटेरियल यूज इन रिमूवल क्लीनर शैल बी डिस्पोज्ड, आपने प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना है। अगर आपके अपने पास कोई ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप उनको दे सकते हैं तो उनको देंगे, वरना आपने अथॉरिटीज़ को क्लेम करना है कि इस तरह से हमारे पास ये डिस्पोज ऑफ मटीरियल है और ये हमने वो करना है। और इन्वायरमेंट को बचाना है ताकि कंटेमिनेशन ना हो, और जितना ज़्यादा हम उसको उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डिस्पोजेबल की बात आ गई, फिर डिस्पोज आपने किस तरह से करना है, कौन से मटेरियल को किस कैटेगरी के बॉक्स में या किस उसमें डालना है। अगर आपका जो है वो ऑयल मटेरियल है तो उसका कंटेनर अलग होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि कुछ एरियाज में जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट चार पांच वो पड़े होते हैं, आपके बकेट्स पड़े होंगे जिसमें मेंशन्ड होगा कि अगर वो ऑयल मटेरियल है तो आपने उसमें डिस्पोज करना है, इसी तरह से अगर वो सॉलिड फ्लेमेबल मटेरियल है तो आपने उसमें डिस्पोज करना है, उन कैटेगरीज के हिसाब से। अगर वो नहीं है तो फिर आप अथॉरिटीज को कॉल करके उनसे डिस्पोज करवा सकते हैं, और फिर उस हैजर्ड उस मटेरियल के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपने वो रिपोर्ट करना है और एट द एंड उसको डिस्पोज कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद इन केस अगर कोई स्पिल होता है तो उसकी एक स्पिल शीट आती है, स्पिल हिस्ट्री उस पर मॉनिटर होती है। ये एक सैंपल मैंने लगाया भी है साथ में, आप इसमें देखेंगे, आप सबसे पहले तो आपका डेट एंड टाइम आएगा, फिर स्पिल डिस्क्रिप्शन के क्या हुआ, कैसे हुआ, केमिकल था या मटेरियल क्या था, और लोकेशन क्या थी, कहाँ पे हुआ, और कितनी क्वांटिटी में हुआ, अगर जैसे पूरा ड्रम है तो आपने वो मेंशन किया। फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या लिए, आपने क्या किया उसके लिए, आपने उस पर खुद रिएक्ट किया या आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, अथॉरिटी ने उस पर किया। अब आखिर में आ गया रिस्पोंडर टू स्पिल, रिस्पोंडर मतलब कि किसने उस पर रिस्पॉन्ड किया, किसने उस पर एक्शन लिया। अगर वो आपकी तरफ से आपने सबसे पहले अगर कॉल कर दी तो बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल करने के बाद अगर आपने खुद एक्शन लिया है तो वो फिर आपके उसमें आपका नाम भी आएगा, वरना जो अथॉरिटी थी दिफाल मदनी है या जो भी अथॉरिटी है उसको आपने मेंशन करना है कि ये रिस्पोंडर थे। आपने डेट टाइम मटेरियल की डिस्क्रिप्शन लोकेशन ये मेंशन किया, उसकी क्वांटिटी मेंशन की,
फिर करेक्टिव एक्शन मेंशन किया कि आपने कॉल की या उस पर आपने स्पिल इमरजेंसी किट यूज़ की, और फिर रिस्पॉन्डर कौन था, उस रिस्पॉन्डर की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक एग्जांपल है। अब जैसे ये लीकेज हुआ है तो आपने उस एरिया को कोशिश करना है कि लोगों को अलर्ट करना है। अगर मिसाल के तौर पे रोड पे हुआ है तो रोड पे दूसरी गाड़ियों को आपने फौरन बैरिकेड करना है। आपके पास कोन्स मौजूद होने चाहिए गाड़ी में कि खुदा ना खास्ता अगर लीकेज हुआ है रोड पे तो आप उसके दूर दूर जहाँ तक आप उसको रोक सकते हैं, मतलब लोगों को वहाँ तक आने से रोक सकते हैं, आपने वो कोन्स प्लेस करना है ताकि लोगों का इंटरेक्शन उस चीज़ से ना हो, चाहे वो डायरेक्ट इनहेलिंग के थ्रू हो या फिर जैसे गाड़ी के टायर से लग के वो और ज़्यादा फैल सकता है, तो वो चीज़ ना हो। और फिर आपने अथॉरिटीज़ को फौरन इन्फॉर्म करना है ताकि वो आगे करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, अब और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि आपके पास एक शीट हो जिसमें सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हों, उसमें एम्बुलेंस होगी, उसमें फायर डिपार्टमेंट, दिफाल मदनी, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल हॉस्पिटल और आपकी अपनी कंपनी के जो कंसर्न पर्सन हैं, अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आपके पास नंबर होने चाहिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, खुदा ना खास्ता अगर आप अनकॉन्शियस हो गए, आप हो गए या आपके साथ जो बंदा था वो होश में नहीं है, वो बेहोश हो गया या कुछ हो गया, तो उस पेपर पे उस आपकी डिटेल होगी कि आपकी अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी रब्ता कैसे करना है, हॉस्पिटल वगैरह के नंबर आ गए, लेकिन आपकी कंपनी के किसी एक दो रिस्पॉन्डर्स का नंबर होने चाहिए ताकि वो आपकी कंपनी को इन्फॉर्म कर सकें, और इन केस अगर आप किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म ना कर सकें तो वो कंपनी इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, इसमें हम एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। एक सेकेंड, अब तक कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? Of the infected yourself and used absorbent with the risk. ये बेसिकली दो वीडियोज हैं, पहले एक चला रहे थे, फिर दूसरी वाली मैं आपको दिखाता हूँ। असल में ये वीडियोज दिखाने का मकसद ये कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही हो बताने में, जाहिर सी बात है ट्रेनर भी एक इंसान है, अगर उससे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती और आप शाय फील करते हैं पूछने में, तो उस वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन में आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, In the event of an emergency spill, the first thing to do is to cordon off the area to make sure people don't wander into the contamination. Then identify the spilt liquid. Once you know what liquid you're dealing with, make sure you get the correct personal protective equipment on and don't put yourself at risk. Once you have protected yourself from the liquid, if you can, stop the flow. This could be by closing valves or by turning a damaged drum so that the damaged area is above the level of liquid remaining in it. Larger spill kits come with leak block granules that can be mixed into a paste. By forcing the paste into the damaged area of tank, drum or pipe, a temporary repair can be effected. A spill turns into a pollution incident only if the liquid leaves the site. The most likely way for a spill to leave the site is down the drain. अब इसमें आप एक चीज नोट करें कि इन्होंने ड्रेन को बंद कर दिया। ड्रेन को क्यों बंद किया कि जब वो ड्रेन में जाएगा तो एट द एंड उसने फिर ओशियंस में जाना है, और ओशियंस में जाके वो मछलियों को नुकसान पहुंचाएगा, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जब वो ड्रेन में जाएगा तो ड्रेन को गला सकता है, खराब कर सकता है, इसलिए उन्होंने वो कंट्रोल कर दिया ताकि वो सोक करके खुद अलग से लेके जाए, ना कि वो ड्रेन में जाए। ठीक है, roof and drain cover place over the ironwork.
An emergency spill kit is made up predominantly of absorbent socks and pads. Use the socks around the edge of the spill to both stop the spill spreading and soak it up. The pads should be used to absorb liquid over a large surface area. The yellow chemical absorbent used here has no neutralizing effect. If used for cleaning up acid, it will become acidic. If used on caustic soda, it will be alkaline. And if used on oil, it will become oily. Treat the used absorbent with the respect that you would the original liquid and keep the PPE on whilst cleaning up. Place the used absorbent in the temporary disposable bags that are supplied with the spill kit and then report the spill to the management. This is vital for three reasons. Firstly, the used absorbent must be disposed of in the correct manner. It may well be special waste and should be dealt with correctly. Secondly, a spill kit is much like a fire extinguisher insofar as it should be full and ready if and when it is needed, so the kit should be topped up and ready in case there is a next time. And finally, it could be that a procedural change may stop a future spill. For example, a truck may have knocked a valve causing a spill, so by rerouting the trucks or by moving the valve, the risk can be eliminated. These are alternatives for protecting a drain from a spill. Here we show a reusable drain protection kit. The neoprene mat is placed over the drain. To seal the edge of the mat, the kit comes complete with a tub of leak block granules. Pour these along the edges of the mat. The leak block will help force the liquid on top of the mat. Once the weight of the liquid is on top, nothing will get underneath. Depending on the type and amount of contamination, the mat can be cleaned and reused. The clay drain cover has a shelf life of approximately 5 years and can be used only once. Simply rip the drain cover from the outer bag, place over the drain and press or stamp in. The drain cover has a cloth reinforcement running through it so that it can be peeled off in one piece after use. Oil-only sorbents, as the name suggests, are for use with oils. They are colour-coded white. They will repel any water-based liquid like acid, bleach, or in this case, tea. Chemical sorbents are colour-coded yellow and will pick up many strong chemicals, as well as oils and tea. Because it repels water, oil-only sorbent will pick up spilt oil and leave any water behind. Here we have poured a little two-stroke oil on the water to demonstrate. Help and advice on choosing the most appropriate sorbent is available from JSP. अभी आखिर में जो उन्होंने दिखाया ना कि जो आपकी किट होती है वो इतनी मतलब स्पेसिफिक होती है अगर वो ऑयल के लिए तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी मतलब
अगर कहीं पे पानी में वो ऑयल गिरा है तो वो डायरेक्ट सिर्फ ऑयल को सोक करेगी, पानी को सोक ही नहीं करेगी। एक सेकंड। The solvent, such as water, compliance would have always worked in front legs. Store the chemical eye and throat pain and require a fire, Eddie. भाई एक मिनट दें, मैं वो वीडियो निकाल रहा हूँ। The forward program gave me the ability to accept failure, the confidence to be decisive. Includes rocking the container, doing this, place it in front. Responding to a spill is relatively straightforward if you follow these simple steps. Firstly, before responding, make sure it's safe to do so. Check the STS sheet and wear the correct protective apparel. The second step is to stop the source so the spill doesn't get any worse. That includes writing the container. SDS ka matlab safety data sheet. Sahi hai, safety data sheet. Plugging it or turning off the tap. Thirdly, protect the stormwater. A spill tech sock is a great way of doing this. Place it in front of the spill so that it doesn't go any further. Once contained, you can now take your time and notify someone. For large spills, you may need to notify the local pollution response helpline. जब आपने उसको control करने के लिए वो रख दिया ना, तो उसके बाद आपने local authorities को phone करना है, बताना है, helpline पे call करनी है. या अपने डिपार्टमेंट को फोन करना है। Normally it's a case of just calling your manager to let them know what you're doing. The fifth step is to clean up. Use the contents of your spill kit to clean up the spill effectively. If you're using a loose absorbent, start from the outside edge of the spill and work your way to the center. Give the absorbent a couple of minutes. ठीक है, अब एक स्पिल किट तो हो गई जो कि आपके पास वो थी एब्जॉर्ब करने वाली थी। एक होती है जो कि इस तरह का मटेरियल होता है, मिट्टी टाइप का होता है, लेकिन वो मिट्टी नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो कि ऑयल को और इस तरह के केमिकल मटेरियल्स को सोक करता है। To do its job. This is a good time to get your contaminated waste bag out of your spill kit
and your brush and pan ready for the cleanup. Once it's had a chance to absorb the spilt liquid, then use a broom to move the absorbent back and forth through the spill to clean up as much as you can. The brush and pan can now be used to clean up the spill absorbent and place it in the contaminated waste bag. Once completed, you need to dispose of your spill appropriately. Contact your local waste disposal contractor and ensure you label the spill as contaminated. The final step is to restock and review. It's important that you share your knowledge so that the spill doesn't happen again. ठीक है ये वाला जो method है ये ज़्यादातर apply होता है oil के लिए. ऑयल की स्पिल जो है ना तो ये जो मिट्टी टाइप का मटेरियल होता है ये उसके लिए अप्लाई होता है सही है अब तक कोई चीज ऐसी जो समझ ना आई हो थैंक्स फॉर ऑल आरिफ साहब इजाजुल साहब रिजवान साहब सब सब क्लियर है जी जी चलें ये हमारी ट्रेनिंग का आखिरी टॉपिक था कहां है रणीश साहब इधर ही हैं चलें वो आ जाएं तो फिर ट्रेनिंग को एंड करते हैं कोई अगर सवाल है तो आप मुझे बताएं सुभान साहब उमर रहती हूँ कैन यू हियर मी या मिस्टर उमर आई कैन हियर यू या ओके आई थिंक द सेशन इज ओवर राइट नाउ करेक्ट या द सेशन इज ओवर नाउ ओके डू वी हैव एनी test paper or a no, questionnaire something to give us our trainees I will share the presentation handout for you with you in the email and regarding the task I think the main thing is to memorize the play cards for the drivers so they should okay. know the hazard categories in case when they are traveling with their transportation material they should know what category they are carrying and what are the hazards of that category okay do you are issuing any certificate because our drivers has been attended the training and they will get any certificate the session is completed or like exactly we will issue the certificate inshallah it will be done maximum by next week in the start of next week so we will share it with you on the email and for the hard copies you can provide us the address whenever they are ready we will ship it to you or they can be collected from our office no issues your head office is here in Jeddah or yeah in Jeddah the head office in USA in Texas but our branch is in Jeddah okay thank you yeah thank you appreciated your support and presentation and teaching excellent thank you very much is there anything else I can do for you sure inshallah we will contact you later in future announcement inshallah mashallah we have many more trainings related to your field also we have forklift trainings we have first aid firefighting and emergency response spill management and in case like for the management we have NIBOSH ISO OSHA and the lead auditor courses so I will also okay, sure I will contact you personally inshallah we will be in touch and we need more and more training in physical training also I wish to handle it in our terminal in front of our drivers in inshallah. Future and we need more and more inshallah I will also share my profile with you our company profile so you can have a review and in case of any requirement you can directly contact me or Mr. Anas or anyone sure thank you it was a good time with you all alhamdulillah so I think now we should wind up and I will inform you whenever the certificates are ready thank you Mr. Umar, thank you Mr. Ranish thank you very much. I hope you have a good understanding with the topic sure yeah Okay, thank you so much. Have a nice day. Welcome. Thank you. Assalamu alaikum.
Okay, bye. Salam. Walaikum as-salam.